subscribe to success ease and press the bell icon to get all the latest videos हेलो फ्रेंड्स इस सुपर शनिवार में आपके लिए लेके आ रहा हूं एक लक्ष्य मैराथन क्लास जिसमें हम सारे सब्जेक्ट से मिला जुला के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी करेंगे साथ में बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड वो भी करने वाले हैं क्योंकि CBT 2 इसी बार क्रैक करना है और हम करके रहेंगे थैंक यू गुड इवनिंग वेलकम टू सक्सेस आप सभी का स्वागत है और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस का महाकुंभ का 14 सेट तो तैयारी जबरदस्त चल रही है एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जबरदस्त तैयारी करें पूरी एनर्जी लगा दें क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिससे आप एनर्जी में कोई कमी नहीं छोड़ सकते तैयारी हम पूरी जोश के साथ करेंगे पूरी तरह से करेंगे ठीक है लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले आज का सेट लगाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ ठीक है एक कहानी है एक हंस की ठीक है हंस की एक कहानी सुनाऊंगा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे जल्दी जल्दी देखेंगे ठीक है बहुत ध्यान देने वाली बात है बहुत एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको ठीक है एक हंस था जिसका एक ही रंग था मान लेते हैं सफेद रंग तो सफेद रंग का हंस था वो बड़ा परेशान था ठीक है क्या परेशान था किस बात को लेकर परेशान था वो कह रहा था कि मेरे तो सिर्फ एक ही रंग है और उसे एक तोता मिलता है ठीक है तो भैया कौवा मिलता है तोता मिलता है कौवे से कहता है कहता है मेरा तो एक ही रंग है मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ लेकिन ये जो तोता है इसके पास दो रंग हैं लाल भी है और हरा भी है ये तो अलग अलग रंगों भगवान ने इसको दो अलग अलग रंग दिए हैं कितना खूबसूरत है लोग इसे कितना पसंद करते हैं कहता है तोता कहता है भैया मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ मेरे से तो खुश नसीब कौन है मोर है ठीक है तो भाई कहता है क्या क्यों है ठीक तो भाई कौआ जाता है किसके पास मोर के पास जाता है कहता है कि भैया तुम तो और ज़्यादा खुश नसीब हो तो क्या कहना है कि तुम ज़्यादा खुश नसीब हो तुम्हारे पास तो रंग बिरंगे कलर हैं बहुत सारे कलर हैं ठीक है लेकिन मोर क्या कहता है मोर कहता है कि तुम्हें मैं इतना ज़्यादा खुश नसीब नजर आता हूँ लेकिन तुम इस पिंजरे को देखो जो जू में पिंजरा होता है उसके अंदर कैद करके रखा होता है कहता है तुम्हारे पास एक ही रंग है तुम चाहो तो पूरी दुनिया घूम के आ सकते हो तुम उड़ सकते हो तुम जो चाहे वो कर सकते हो मैं नहीं कर सकता मेरे पास इतनी खूबसूरती होने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं एक पिंजरे के अंदर बंद हूं तो इस कहानी से आपको क्या बात समझ में आती है इस कहानी से ये बात समझ में आती है कि कभी हमें किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि भैया ध्यान देने की बात ये है कि हर किसी की अलग अलग कंडीशंस हैं हर किसी के पास अपना अपना महत्व है किसी के पास उड़ने की क्षमता है किसी के पास अलग अलग रंग हैं तो जीवन हर किसी का एक जैसा नहीं होता सिर्फ इंसान को अपनी काबिलियत को पहचानना होता है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना होता है आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कैसे बढ़ेंगे अपनी काबिलियत से बढ़ेंगे इसलिए जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं ठीक है तो सभी बच्चे ध्यान देंगे पूरी एनर्जी लगा देंगे सिर्फ अपने आप पे ध्यान दीजिए अपना पेपर क्रैक करना है करना है तो करके रहेंगे सिर्फ अपनी काबिलियत से करेंगे ध्यान देने की बात है सभी बच्चे यहां पे इकट्ठे हो जाएं ठीक है तो मैं बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं अंशुल जी आ गए हैं बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल रितिका जी आ गए हैं आलोक राज आ गए विवेक मिश्रा है रिक्की शर्मा है आलोक राज प्रजापति साहब भी हैं तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे इकट्ठे हो जाएं और सैटरडे को क्लास लेके आ रहा हूँ ठीक है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेके आऊँगा और साथ के साथ क्या लेके आऊंगा क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा तो पॉइंट्स भी कवरअप करेंगे क्योंकि भैया अब पेपर बहुत नजदीक है इसलिए होल रिविजन थोड़े जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं उसका रिवीजन भी बहुत जरूरी है ठीक है चलिए अब बहुत बातें हो चुकी हैं अब समय आ चुका है कुंभ को शुरू करने का और जब कुंभ में आएंगे तो महाकाल की कृपा से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है ठीक है तो चलिए शुरू करता हूं पहला क्वेश्चन आ जाता है भाई बिल्कुल रिकेश शर्मा जी तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया टनलिकलेबस में <coughs> सॉरी टनलिंग आपके सिलेबस में है और भैया जवाब तो तो करेंगे जो पहला ऑपरेशन है वो इनमें से किस ऑप्शन पे रिलेट करता है सभी लोग जल्दी जल्दी जल्द जल्द आंसर करेंगे मैं सबका आंसर चाहता हूं पूरी जबरदस्त तरीके से चाहता हूं ठीक है के सब साहू जी कह रहे हैं वॉइस कम है भैया वॉइस चेक करेंगे भाई कंप्यूटर जी ठीक है रजत दे जी कह रहे हैं कि भैया प्रीवियस लेक्चर देखे हैं वो नए हैं रजत साहब जी आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर यहाँ पे जल्दी जल्दी जवाब दें सचिन यादव जी सी कह रहे हैं कि भैया रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन ठीक है इसके अलावा भैया मैं देख रहा हूँ आंसर जो आ रहे हैं धीरे 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 आ रहे हैं सबके आंसर जल्दी जल्दी चाहता हूँ ताकि मैं भी आंसर करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा सकूँ लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका आंसर मुझे चाहिए गलती यहाँ कर लो एग्जाम में नहीं करनी है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी आपको बता देना चाहता हूँ ठीक है तो शिवम सिंह जी कह रहे हैं डी ठीक है, है नायडू जी डी कह रहे हैं काफी बच्चों का सी और बी और देखिए बी सी डी पहला ही सवाल है और पहले ही सवाल में कंफ्यूजन एग्जाम में इस तरह करेंगे आप नहीं ठीक है गलती यही सुधारेंगे और एग्जाम के अंदर सारे सवाल सही करके आने हैं और हम करके रहेंगे ठीक है तो भैया आंसर मैं आपको बता देता हूं आंसर क्या है आंसर है डी दी। ध्यान दीजिए भाई आंसर क्या है डी है क्यों है डी आपको बता देता हूं जो फुल फेस मेथड होता है मैं मान लेता हूं ये टनल क्या कर रहा हूं बना रहा हूं इस फुल फेस मेथड में इस टनल का एक्सकवेशन जो है वो पूरी तरह से एक बार में किया जाता है जब मैं एक बार में एक्सकवेशन करूंगा तो पूरे का पूरा पेरीमीटर को कंसिडर करूंगा एक्सकवेशन बींग अलॉन्ग द पेरीमीटर पूरा का पूरा पेरीमीटर मैंने क्या कर लिया उसका कवर कर लिया है तो डी इज द राइट आंसर सभी बच्चे ध्यान देंगे ठीक है तो भैया सही आंसर आपके पास है और आपको एग्जाम में आप कोई गलती नहीं करनी चलिए बिना वक्त गुजारे बिना टाइम वेस्ट करे दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर जी कुछ तो शिफ्टिंग हो नहीं रही है इसमें ठीक है ओके okay, तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई इफ द शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ बीम अंडर बेंडिंग इज इक्वल टू जीरो ठीक है शेयर फोर्स कहीं पे क्या है जीरो है और वहां पे कुछ बेंडिंग है देन द बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन इज बहुत सिंपल सवाल है लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर यहां पे भी बच्चे

मान लिया है ठान लिया है अब तो करके ही रहेंगे ठीक है तो मैं देख रहा हूं काफी बच्चे आने हैं आशुतोष जी बी कह रहे हैं टू बी आ रहा है नितिन जंग, जंगरा जी अच्छा काफी सारे बच्चों का बी आ रहा है ठीक है भैया आंसर क्या है ठीक है आंसर है डी डीकॉन्स्टेंट इफ शियर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ बीम अंडर बेंडिंग बेंडिंग इज इज जीरो देन द मोमेंट एट दैट सेक्शन कांस्टेंट सभी बच्चे ध्यान दीजिए ठीक है यहीं पे गलती हो जाती है देखिए इस तरह की गलती एग्जाम के अंदर अक्सर देखी जाती है ठीक है तो भैया शियर फोर्स किसी सेक्शन पे अंडर बेंडिंग कहीं पे जीरो होगी तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा कॉन्स्टेंट होगा ध्यान देने की जरूरत है ठीक है हाँ प्रकाश जी बिल्कुल सही बात है ठीक है तो ध्यान देने की जरूरत है मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है ठीक है कांस्टेंट भी हो सकता है और वहां पे ये कंडीशन है अगर सियर फोर्स क्या है किसी सेक्शन पे अंडर बेंडिंग जीरो होती है तब वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा ध्यान देने की जरूरत है ठीक है तो बेंडिंग मोमेंट अगर मैं कहता मैक्सिमम है तब वो जीरो होता ध्यान देने की जरूरत ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन ठीक है एग्जाम में ध्यान दें किसी भी तरह की गलती नहीं चाहता हूं आज इतने बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं सबके लिए मजा आ जाएगा ठीक है तोड़ के रख देंगे पेपर को भैया कोई कमी नहीं छोड़नी है फॉर अ गिवन शेयर फोर्स सिमेट्रिकल आई सेक्शन एक आई सेक्शन है ठीक है आपको बताना है द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट उस आई सेक्शन के अंदर मैं मान लेता हूं वो ये आई सेक्शन था ठीक है अगर मैं इसका क्या देखता हूं शेयर फोर्स डायग्राम देखता हूं तो मुझे उस हिसाब से बताना है कि इसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स कहां पर आएगा या स्ट्रेस कहां पे आएगा इस आई सेक्शन के अंदर सभी लोगों का आंसर चाहता हूं ठीक है जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें भाई ये लीजिए आई सेक्शन आपके लिए बहुत बढ़िया बना देते हैं ये लीजिए ठीक हाँ। है इस आई सेक्शन का मुझे सभी लोगों से जवाब चाहिए पटेल साहब जी कह रहे हैं बी अलका राव जी बी कह रही हैं ठीक है मैं देख रहा हूं आज बच्चे काफी कम है जल्दी जल्दी सभी बच्चे इकट्ठे हो जाएं भाई ठीक है क्वेश्चंस के महाकुंभ में सभी को होना जरूरी है क्योंकि यही हमें आगे ले जाने वाला है सीबीटी टू क्रैक कराने वाला है क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं जितने सेट्स एग्जाम के उपरांत हम लगा देंगे उसमें से इतने सवाल आने वाले हैं जिसका आप खुद एनालिसिस करेंगे जब पेपर देने जाएंगे ठीक है सही बच्चे तो मैं देख रहा हूं सेंट्रॉइड ए आंसर भी आ रहा है बी आंसर भी आ रहा है ठीक है तो भैया मैं आपको दिखा देता हूं यह फोर्स डायग्राम कुछ बनता है ठीक है आई सेक्शन के केस में ये, ये ठीक है और ये कुछ शेयर फोर्स डायग्राम और अगर आप देखें तो भैया मैक्सिमम कहां पे आ रहा है सेंटर पे मैक्सिमम आ रहा है तो भैया आंसर क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा बी ऑफ द सेक्शन ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर है भाई आपका ठीक है तो बी आंसर है काफी सारे बच्चों का ठीक है आशुतोष जी बिल्कुल सभी लोग ध्यान देंगे भाई और एनर्जी के साथ आंसर करना है किस मैं देख रहा हूं एनर्जी आज कम पड़ रही है बच्चों का आंसर थोड़ा धीरे आ रहा है धीरे नहीं आना है जल्दी जल्दी चाहिए भैया आंसर एग्जाम में क्या इसी तरह आंसर करोगे नहीं एग्जाम में जल्दी आंसर करना है टाइम बचाना है ताकि कहीं पे भी किसी कंफ्यूजन में वो टाइम किसी और क्वेश्चन में लेंदी इस्तेमाल हो जाए तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन स्टील वायर ऑफ मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी 200 हंड्रेड पर एम स्क्वायर एंड डायमीटर 1 एम mm. ड्रम ऑफ डायमी अप्रोक्सीमेटली है उसके आधार पे आप ये बता सकते हैं कि भैया कितना उसके अंदर bending stress होगा। अगर उसका of आपको दिया गया है डायमीटर उसका दिया गया है ड्रम का डायमीटर दिया गया है आप आंसर कर सकते हैं सही बच्चे पूरी एनर्जी के प्रकाश शेखर जी एनर्जी फुल है बिल्कुल सही बात है अंकित सिंह जी कह रहे हैं लेट हो गए कोई बात नहीं अंकित जी नवीन पाल जी कह रहे हैं क्लियर क्यों नहीं आ रहा भैया इंटरनेट अपना रिफ्रेश कर लो भाई ठीक है बिल्कुल कह रहे हैं रिकी जी बिल्कुल पूरे जोश के साथ आंसर करना है मैं देखता हूँ रिकी जी काफी ज्यादा रेगुलर रहते हैं ठीक है सिमरन सिन्हा जी आज नहीं दिखाई दे रही है वर्षा जी भी कह रही है अच्छा ठीक है सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी सर बेंडिंग मोमेंट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें सोच जी चलिए लास्ट में आपको बेंडिंग मोमेंट वाला अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है अभी समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लगाने हैं उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन भी अलग से दे दूंगा चिंता करने की कोई बात नहीं है ठीक है रितिका सिंह जी कह रही है टू अच्छा अलका राव जी सी कह रहे हैं दो बिल्कुल सभी बच्चे मैं देख रहा हूँ आंसर जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं ठीक है ठीके? भाई आपको एक बात का हमेशा खास ख्याल रखना होगा जो भी आंसर आप करते हैं उस आंसर को कोई कमी नहीं छोड़नी है ठीक है एफ क्या होगा भैया E Y बाय आर ठीक है यही इक्वेशन थी ठीक है E की वैल्यू दी गई है 200 हंड्रेड न्यूटन लेकिन इसको 10 टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि आंसर किसमें चाहता हूं न्यूटन पर एम स्क्वायर में जानना चाहता हूं Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया एक मीटर दी गई है तो मतलब पॉइंट फाइव हो जाएगी क्योंकि क्या होती है जो भी डायमीटर दिया होता है y की वैल्यू डी टू होती है, ठीक है? ठीक तो मतलब आ जाएगा, और ये एक मीटर दिया है इसको भी एम में रखने की जरूरत है मतलब एक हजार एम और ये भी वाई वाई टू जब होता है तो भैया 500 सौ एम हो गया अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो टू हंड्रेड न्यूटन पर एम स्क्वायर अपने आप बन जाता है तो बिल्कुल सही आंसर क्या है भैया आंसर सी है ठीक है तो बच्चों ने आंसर बहुत अच्छा किया ठीक है चलिए तो प्रकाश शेखर साहब बिल्कुल जरूरी है एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा यहाँ पे ठीक है इसीलिए यहां पे, इसी पे आए भाई देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं अक्सर इस तरह का क्वेश्चन कॉलम का एग्जाम के अंदर रिपीट होता है और चांसेस बहुत ज्यादा है इसके के भी कॉलम इज फिक्स्ड एट बोथ बोथ एंड्स एंड्स से क्या कर दिया गया? कर दिया दिया गया गया फिक्स है यूलर्स क्रिटिकल लोड आपको बताना है क्रिटिकल लोड का क्या फॉर्मूला होगा ए बी सी डी में से कौन सा फॉर्मूला होगा आपको बताना होगा भैया आपको अगर इफेक्टिव लेंथ पता है तो आप आंसर कर सकते हैं सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई ठीक है बहुत बढ़िया बात है राजा दे जी कह रहे हैं सिग्मा इक्वल टू ई बाय आर हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो इसको मैंने एफ लिखा है आप उसको सिग्मा कह रहे हैं एक ही बात है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सोनू कुमार जी डी कह रहे हैं काफी बच्चों का प्रकाश शेखर जी कह रहे हैं 500 कैसे भैया देखो सीधी सी बात है डी क्या डी वाई जो होता है डी बाय होता है ठीक है तो भैया नीचे जो डायमीटर दिया था वो भी तो डी वाई टू ही करोगे वो भी तो डायमीटर था और एक हजार एम था तो मैंने डिवाइड करके कितना लिख दिया 500 सौ लिख दिया भाई ठीक है तो कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है ठीक है इस लोड तो कितना होगा ठीक है इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है एल बाई टू होती है ठीक है जनरल फॉर्मूला फॉर पी सी आर मैं जानता हूं कितना होता है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर और एल कितने यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे ठीक है पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर भैया एल कितना है एल बाय टू का स्क्वायर ठीक है सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर मतलब ऑप्शन क्या बना डी बना ठीक है तो भैया डी आंसर बिल्कुल सही है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इफेक्टिव स्ट्रेस का सॉरी इफेक्टिव लेंथ का आप कंडीशंस जानते हैं जिसने नहीं भी देखा है लेक्चर को जरूर देखें स्टील और आरसीसी दोनों लेक्चर्स में ये कंडीशंस मैंने डिस्कस की है ठीक है आंसर आप करेंगे एग्जाम के अंदर पूरी तैयारी रहनी चाहिए भैया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत बढ़िया द केरन एरिया बहुत नया क्वेश्चन है अक्सर बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते हैं द केरिन एरिया ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन कॉलम

कौन सा बाबर जी कह रहे हैं क्या बताएंगे कौन सा क्वेश्चन वर्षा आज कह रहे हैं क्वेश्चन लेवल के हैं बिल्कुल क्वेश्चन हमेशा लेवल के ही रखे जाएंगे भैया एग्जाम के अंदर आपको भी अपना लेवल दिखाना होगा और अपना लेवल दिखाने के लिए क्या नए से नए क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने होंगे ठीक है तो नए नए क्वेश्चन जहां से जैसे भी मिल सकते हैं किसी एग्जाम में आए हो या आ सकते हैं चाहे मैं नए बना सकता हूँ हर तरीके से क्वेश्चन आपको लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले जो आपको ना आता हो तैयारी जीत की है और जीत के रहेंगे ठीक है तो कह रहे हैं डीवाई एट काफी बच्चे बी कह रहे हैं सिक्स का ए कह रहे हैं ठीक है अनिल गौतम जी डी कह रहे हैं वर्षा जी देखिए अब यहां पे जब क्वेश्चन नया हुआ नया क्वेश्चन होते ही बच्चे गड़बड़ा गए ठीक है यहां गड़बड़ाना नहीं है भैया तोड़ के रख देंगे पेपर को कैसे तोड़ के रख देंगे सही जवाब से सही जवाब क्या है भैया सही जवाब सी है डी बाई फोर केरन ऑफ अ कॉलम इज दैट एरिया थ्रू विच इफ द रिजल्टेंट पास बी नो रिजल्टेंट टेंशन एनी ठीक है किसी भी तरह से कोई भी टेंशन फोर्स नहीं लगेगी सेक्शन ऑफ द कॉलम में ठीक है तो आंसर क्या बन जाता है सी बन जाता है डी बाई फोर ये स्टैंडर्ड आंसर है आपको याद रखना होगा कि डी बाय फोर क्या होगा केरन एरिया होगा ठीक है जिस बच्चे ने इस बात को कंडीशन को स्टैंडर्ड आंसर है आपको एग्जामिनेशन के अंदर कोई सोल्यूशन करने के लिए तीस सेकंड का समय देगा वहां पे इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के इस किरण को डिवाइड आप डिराइव करेंगे डी बाई फोर कैसे आया आपको कुछ फॉर्म स्टैंडर्ड्स में याद कर लीजिए एग्जाम में छाप लीजिए बहुत अलग किरन एरिया बहुत अलग सा नाम है एक बार में छप जाएगा दिमाग में एक बार में छप जाएगा एक बार में छप गया आपने कर दिया ठीक है बिल्कुल सही बात है कैसे होती है भैया वो डी क्या करते हैं मेंटेन करते हैं इसी वजह से कोई टेंशन नहीं होती ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ लॉन्ग कॉलम ऑफ गिवन मटेरियल किसे किसी मटेरियल का एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है लेंथ एल है किस फैक्टर उसको गवन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल करती है फ्लेक्सल रिजिडिटी करती है सिलेंडरेंस रेशियो करता है या फ्लेक्सिल एंड सिलेंडरेंस रेशियो दोनों करते हैं आपको आंसर करना होगा जबरदस्त तरीके से आंसर चाहता हूं सभी लोगों का ठीक है कह रहे हैं सर किरण है और रोमबस क्या होता है भैया रोमबस की जरूरत है तुम्हें तुम रोमबस कॉलम बनाओगे ठीक है रोमबस कॉलम बनाओगे गोयल साहब ठीक है तो भैया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है ऐसे तो हर एरिया की हम बात करने लग जाएंगे और हर एरिया का एरिया निकालना पड़ेगा हर एरिया का नहीं निकालेंगे जिसकी जरूरत है एग्जाम के लिए सिर्फ उतना ठीक है हर तरफ नहीं भागना है जितना एग्जाम के लिए करना है उतना ही करेंगे और एग्जाम को क्रैक करके आएंगे क्योंकि हमारा मोटिव है एग्जाम को निकालना वहां पर मार्क्स लाना वो लेके आकर रहेंगे क्वेश्चन की मदद से हर एक चीज स्टडी करके जाएंगे कितने सारे टॉपिक तो आपके क्वेश्चन में ही जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं उसकी मदद से ही कवर हो जाते हैं ठीक है तो काफी बच्चे आंसर डी कर रहे हैं

एक्जल लोड कैरिंग कैपेसिटी को क्या करती है गवन करती है और कॉलम के केस में आप सॉरी जा... आप जानते हैं मैक्सिमम सिलेंडर कितना हो सकता है 180 हो सकता है ये भी मैंने आपको बताया है ठीक है तो मैक्स <coughs> पानी दे हो जाएगा पानी कर दीजिए हाँ तो भाई ध्यान देने की जरूरत है बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं देखिए टनल का क्वेश्चन फिर ले आए हैं बहुत जरूरी है कह रहे हैं मैच कर दीजिए आपको अलग अलग सेक्शन दिया सर्कुलर सेक्शन दिया है सेक्शन सेक्शन दिया दिया है एक दिया है सेगमेंटल रूफ सेक्शन दिया है ये किस पर्टिकुलर चीज को मैच करता है सॉफ्ट रॉक को हार्ड रॉक को कैरिंग वाटर के लिए होता है या सीवर के लिए होता है या सब के लिए होता है आपको मैच कराना है सभी बच्चे आंसर करेंगे भैया एग्जाम में किसी भी तरह से ठीक है बिल्कुल तपेज पॉल जी बिल्कुल पानी हमने मंगा दिया है बिल्कुल ठीक है तो बहुत बढ़िया प्रकाश शेखर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक है तो जल्दी मैं चाहता हूं सभी लोग आंसर करें एस एस सी जेई में न्यूमेरिकल आता है क्या आकाशदीप साहब बिल्कुल देखिए किसी भी पेपर को हम देते हैं उसका पहले एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि उस पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं आपको मैंने पहले भी बताया है कि 70 परसेंट जो पेपर है वो सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर वाला आता है और 30 परसेंट सवाल जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहा हूँ और आता भी रहूंगा साथ ही में आपको किसकी जरूरत है वो सत्तर परसेंट अस्सी जो सवाल है अगर आप उसको कर जाते हैं आपको सौ नहीं करना है आपको मैक्सिमम करना है उस मैक्सिमम को करने के लिए क्या करना होगा आपको तैयारी जीत की करनी होगी और वो हम साथ में मिलकर करेंगे ठीक है तो देख रहे हैं डी होगा काफी बच्चे बी कह रहे हैं और डी कह रहे हैं ठीक है आते हैं नुमेरकल SSJ में बिल्कुल सही बात है ठीक है रविराज सिंह जी कह रहे हैं एट्थ का बी होगा रवि गौतम जी बी कह रहे हैं काफी बच्चे देखे बी और ए बी और ए ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं आंसर क्या है बिल्कुल सही आंसर क्या है आंसर डी है ठीक है कि भैया क्या होगा सर्कुलर सेक्शन के लिए आप सॉफ्ट रॉक का कर इस्तेमाल करते हैं ठीक है सॉफ्ट रॉक में सर्कुलर सेक्शन बनाते हैं और अगर कैसा हो हॉर्स शू सेक्शन हो हॉर्स का शू जो होता है कभी ध्यान दीजिएगा गूगल करके देखिएगा उसकी पिक्चर ठीक है हॉर्स शू सेक्शन अगर आप बनाते हैं तो उस केस में आप हार्ड रॉक में बनाते हैं ठीक है अगर एग्ड शेप्ड सीवर होता है हमारा बहुत बढ़िया तो पानी ले जाने के लिए कैरिंग वॉटर ठीक है तो एक्स सेवड सीवर जो होता है और मोस्ट एफिशिएंट भी होता है क्यों होता है ये आपका बी सॉरी डी बिल्कुल सही है ठीक है अलका राव जी कह रहे हैं नो सर बी श्योर नहीं, 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 नहीं बी श्योर नहीं है डी होगा बिल्कुल सही आंसर ठीक है ध्यान देने की जरूरत है अलका राव जी बिल्कुल सही कर ले अपने पास ठीक है पंचाल गोयल जी कह रहे हैं बी नहीं डी करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एन एडवांटेज ऑफ द हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन टनल कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है टनल कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा होगा भाई एडवांटेज हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड में ठीक है आंसर करेंगे आप ए बी सी डी क्या आंसर होगा सभी लोग चाहता हूं मैं सबका आंसर चाहता हूं भाई ठीक है बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें हाँ कह रहे हैं मैं सही था बट डी श्योर नहीं था कन्हैया सिंह जी कोई बात नहीं गलती सबसे होती है ठीक है प्रकाश सिंह जी सभी लोग बताएंगे भाई दो मुझे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब बहुत तरीके से दे रहे हैं बच्चे शिविर के लिए एग्स शू लेते हैं ना एक लो गे रवि रा, रविराज सिंह जी कह रहे हैं एग्स शू लोगे आप ठीक है एग्स शू नहीं लेना है भाई सीवर के लिए आपका जो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होता है वो एग्ड शेप्ड सीवर होता है बच्चे ध्यान देंगे इस बात का ठीक है तो भैया आंसर देखो हमेशा सही होना चाहिए अगर गलती हो गई ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है वो जब टनल का सेक्शन वेरी लार्ज होता है ठीक है बहुत बड़ा सेक्शन होता है तब मैं इस्तेमाल करता हूँ ठीक है तब मैं इस्तेमाल करता हूं ठीक है और वहां पे जो क्वालिटी ऑफ रॉक होती है बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती ठीक है जहां पे रॉक अनस्टेबल होता है वहां पे करता हूं इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब आंसर ए होगा इट इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन इन अनस्टेबल रॉक्स अनस्टेबल रॉक्स केस में मैं ऐसा करता हूं ठीक है ध्यान देने की जरूरत है सही बच्चे आंसर कह रहे हैं सर यू आर डिसअपेयर्ड वाई ठीक है डिसअपेयर्ड भैया टेक्निकल टीम हमें कभी कभी आ, ले आती है कभी आती है बहुत मजा आता है भैया कभी हम गायब हो जाते हैं कभी वापस आ जाते हैं बहुत इसमें ही तो मजा है भाई ठीक है समझने की कोशिश करिए सेल्फ क्लीनिंग बिलोसिटी इज मोर इन एक्सप्स बिल्कुल रजस जी सेल्फ क्लीनिंग बिलोसिटी जो होती है मेनटेन रहती है थ्रू आउट द ईयर इसी वजह से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इन्वायरमेंट के लेक्चर में कराऊंगा ठीक है तो ठीक बिल्कुल बिल्कुल हाँ बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अ शिप को ठीक है पानी के अंदर सच अ चैम्बर को क्या कहा जाता है ड्राई डॉक कहा जाता है वेट डॉक कहा जाता है फ्लोटिंग डॉक कहा जाता है या रेफ्यूज डॉक कहा जाता है सभी बच्चे आंसर करेंगे ठीक है कह रहे हैं श्रवण कुमार जी कह रहे हैं श्रवण कुमार जी हाँ बहुत बढ़िया कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कह रहे हैं लेट हो गए हैं कोई बात नहीं ठीक है आशीष मालिया जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो भैया सभी लोगों को आंसर करना होगा जबरदस्त तरीके से पूरी एनर्जी चाहिए तोड़ के रख देंगे पेपर को भाई ठीक है कैसे करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन की मदद से करेंगे हमने एक से एक क्वेश्चन लगा लिए हैं बहुत तगड़ी तरीके से तैयारी कर रहे हैं मैं चाहता हूं भैया आज बच्चे जितने रेगुलर बेस पे आते हैं वो आए नहीं है क्या कारण है मैं नहीं जानता लेकिन आपको बहुत जरूरी बता देता हूं ये बात कि आपको इस बात का बहुत खास ख्याल रखना होगा कि गलती नहीं करनी है एग्जाम के अंदर और कुंभ लगाना बहुत जरूरी है भैया जब तक

ठीक है बहुत बढ़िया दीप्सिका पाल जी भी आ गए बहुत बढ़िया ऋतिका जी का आंसर मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों का यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही था ठीक है अन्नुपूर्णा सिंह जी कह रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सब ठीक है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ठीक है ध्यान दीजिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए सेम क्वेश्चन लेकर आया सेक्शन सर्कुलर सेक्शन एक्ट सेगमेंटल रूफ सेक्शन किस पर पर्टिकुलर पर्प के लिए ठीक है अभी इस बार आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज किया है अब इस केस में आपको आंसर करना होगा सभी लोग जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे ठीक है भैया टाइमर लगा दीजिए भाई कंप्यूटर जी हाँ बच्चों की डिमांड है कि टाइमर होना चाहिए तो टाइमर होगा ठीक है लेकिन मुझे उस टाइमर के अंदर सभी का तेजी के साथ जवाब चाहिए ठीक है सर आप ये पढ़ा चुके हैं क्या संदीप कुमार जी टनल मैंने नहीं पढ़ाया है अभी तक लेकिन समय को देखते हुए बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगा के जाओ भैया जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे टॉपिक पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे तो भैया पूरे जोश के साथ चाहता हूं सभी का जवाब ठीक है कह रहे हैं कि सी होगा सर कितने अटेम्प्ट करूं टू सेफ जोन में भैया जितने आते हैं क्योंकि भैया मैंने कह दिया नब्बे कर लेना और बताओ तुम्हें सिर्फ सत्तर आते होंगे बीस गलत करके आओगे नहीं आओगे मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे कटेंगे तो आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको सही आते हो आपको श्योरिटी हो कि मैं ये सही कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं उतने ही करने हैं ध्यान देना ठीक है बहुत बढ़िया बात चलिए तो कह रहे हैं बी होगा काफी बच्चों का आंसर विजय रावत जी सी कह रहे हैं ठीक है दास जी ठीक है और मैं आपको बता देता हूं आंसर डी है इस भैया ठीक है तो भाई जो हॉर्स हॉर्सूज सेक्शन है अभी मैंने बोला था किसमें सॉफ्ट रॉक में सुटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक लेकिन नहीं तो आ, सर्कुलर बी का हाँ देखिए इसमें थोड़ी गलती हो गई है शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग में तो भैया ये जो हॉर्स शू होता है आपका हार्ड रॉक के लिए होता है ठीक है तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है सबको ठीक है तो यहां पे मिसमैचिंग मैंने जो आंसर क्रिएट किए आपके लिए शायद ये गलती हो गई है इसको ध्यान ना दें ठीक है चलिए तो भैया और सेक्शन में आपको बता देता हूं हार्ड के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है तो मैंने इसमें शायद सुटेबल फॉर हार्ड रॉक लिखना था ये लिख दिया है सर्कुलर सेक्शन के लिए भैया सर्कुलर सेक्शन बेस्ट सूटेड फॉर नॉन ठीक है तो नॉन के लिए बेस्ट कोड होता है एक्स शेप्ड अभी अभी मैंने बताया था आपको सेल्फ वेलोसिटी ड्राई वेदर के अंदर भी क्या होती है मेंटेन रहती है जैसे कि अभी देश आपने कहा था बिल्कुल सही बात है ठीक है और 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 तो आपको बता देता हूं सेगमेंटल रूफ सेक्शन जो है आपका किसके लिए भैया सुटेबल फॉर सब अभी अभी

कटिंग एज सभी को आंसर करना होगा भैया एग्जाम के अंदर टनलिंग के सवाल आ सकते हैं और आपको देखने होंगे आंसर करने होंगे आंसर कैसे कर पाएंगे जल्दी जल्दी भैया वीडियो को लाइक करते चलो अभी सौ लोग भी सौ लाइक भी क्रॉस नहीं हुए हैं ये मजा नहीं आ रहा है ठीक है भैया कुंभ में आए हो कुंभ में हाँ बहुत जरूरी है भाई समझिए हाँ बहुत जरूरी है के? कह रहे हैं हॉर्स टू फॉर हार्ड रॉक बिल्कुल मुकेश जी सू जो हार्ड रॉक के लिए होता है बिल्कुल सही बात है ठीक है रिकी जी हॉर्ट हार्ड बिल्कुल सही बात है विजय जी ये कह है रहे हैं जल्दी जल्दी सभी का आंसर चाहता हूँ भैया कंप्यूटर जी टाइमर मिलेगा आ, बच्चों की डिमांड है भैया टाइमर तो लगाना पड़ेगा ना भाई आ, सर लाइट गई है वैभव सरकार जी किसकी लाइट चलेगी भाई सौम्या रंजन बेहरा जी कह रही हैं ए हाँ हितेश मल्होत्रा जी ए बी सी ए तो देखिए अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछे हैं और उसके बाद भी का दिक्कत आ गई है जवाब में कंफ्यूजन आ रही है और टाइम देख रहे हैं आप टाइमर ऑन डिमांड लगा दिया गया है और अब आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर सभी को आंसर करना होगा शुभम सेठ जी कह रहे हैं ट्रेंच जैक सिमरन सिन्हा जी डी कह रही है ठीक है प्रजापति साहब डी कह रहे हैं और आंसर क्या है आंसर है डी

फोर पोलिंग मेथड निडल बीम मेथड हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड शील्ड टनलिंग मेथड चार मेथड आपको गिवन है आपको आंसर आंसर करके बताना है ए बी सी या डी सभी का आंसर चाहता हूं भैया टाइमर कंप्यूटर जी टाइमर हाँ बहुत जरूरी है भाई टाइमर तो बहुत जरूरी है समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया ठीक है तो आंसर क्या कह रहे हैं कटिंग एज कह रहे हैं भैया सर कुंभ में डुबकी लगी है आज हमारी भी एक्स कुमार जी दा, दावीर साहब आ गए हैं बहुत बढ़िया है, कुंभ में तो डुबकी लगानी पड़ेगी तभी तो भैया जितने पाप किए हो तभी तो धुलाओगे ठीक है और जब पाप धुलेंगे तो अपने आप

बी आंसर था वो अपनी आंसर को अपने जवाब को सही कर लें क्योंकि गलती यही करनी है एग्जाम के अंदर नहीं करनी है पहले बात कर चुके हैं और ऐसा ही करना है अब एग्जाम के अंदर गलती यही करनी है एग्जाम में नहीं करनी है भाई समझिए बहुत जरूरी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं टनल अलाइनमेंट इज कैरिड आउट बाय टनल का जो अलाइनमेंट है वो कैसे कैरी आउट करते हो कैसे करते हो सरफेस ट्रोलाइट ट्रेवल्स की मदद से ट्रांगुलेशन की मदद से कंपस ट्रेवल्स की मदद से या एरियल फोटोग्राफी की मदद से सब टनल बना लेते हैं अलाइनमेंट किससे करना है यही नहीं पता है तो कैसे बनाओगे भाई

जब लाइव चलता है तो आप अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं आपकी जरूरत है आप मेरे साथ पहुंचा सकते हैं ठीक है कह रहे हैं सारे पेपर धोके सक्सेस पाएंगे हाँ बिल्कुल भैया हाँ बिल्कुल भैया गंगा जी में महाकाल की कृपा है कैसे महाकुंभ चल रहा है भाई समझो हाँ बहुत जरूरी है और आंसर क्या है सही बच्चों का आंसर देख रहा हूँ ए बी ए बी आंसर आ रहा था लेकिन आंसर कितना है बी है ट्रायंगुलेशन टेनल अलाइनमेंट इज कैरियड आउट बाय ट्रायंगुलेशन ट्रायंगुलेशन मेथड की मदद मतलब से आप करते हैं ठीक है ट्राइंगुलेशन मेथड क्या होता है सर्वेइंग का लेक्चर देखेंगे प्ले बनी हुई है चैनल पर जाएंगे और सर्वेइंग पूरी तरह से कवर अप कर सकते हैं एक एक कंसेप्ट एक एक बात उसके अंदर कवरअप की गई है ध्यान देने वाली बात है बहुत जरूरी है भाई समझिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत जरूरी विद रेफरेंस टू टनलिंग टनलिंग के इतने सवाल कर लेंगे फोड़ के रख देंगे पेपर ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर डिसाइडिंग द साइज ऑफ द शाफ्ट ठीक है तो मुझे बताना है टनलिंग के रेफरेंस में ठीक है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है साइज ऑफ द शाफ्ट जो शाफ्ट का साइज है जो आप होल कर रहे हैं टनल के अंदर ये ठीक है तो जो शाफ्ट का साइज है ये कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं आपको बताना है चार पैरामीटर आपको गिवन है आपको बताने हैं वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो डिसाइड करेंगे ठीक है कह रहे हैं महाकुंभ जोन से फॉर्म भी भरे हैं अरे श्रवन कुमार जी भैया महाकुंभ में तो भरना ही पड़ेगा भाई भाई समझिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है है ठीक है तो तो कह कह रहे है, जी कह रहे हैं 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 सिंह जी सेम क्वेश्चन अच्छा फिर तो बहुत सारे ओके लास्ट टाइम में है, अभी को एक क्लास लेके आ रहा हूं उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग सब्जेक्ट से मिलेंगे मुझे मैं सारे -सारे आपको बताऊंगा साथ ही में जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आ सकता है भले हमने किया हो चाहे नहीं किया हो अभी तक ठीक है उनको लेके आऊंगा तो सैटरडे की क्लास बहुत जरूरी है लक्ष्य मैराथन क्लास है लक्ष्य निर्धारित है मैराथन में सभी का स्वागत करूंगा और मिलकर सीबीटी टू को क्रैक कर देंगे भैया करना है तो करना है सोच चुके हैं अब यार जब करना है मान लिया है तो ठान लिया है करके रहेंगे ठीक है धीरजपुरी जी कह रहे हैं वो बिहार से है बहुत बढ़िया ठीक है धांसू अरे भैया धांसू है भाई समझिए हाँ बहुत जरूरी है आ, तो आंसर क्या है डी है वन टू थ्री फोर सारे के सारे सिस्टम यूज फॉर होस्टिंग साइज ऑफ द मक्कार ठीक है मक्कार ठीक है मक्कार क्या होती है जो कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती है क्वांटिटी ऑफ मक टू बीफ्टेड लिफ्टेड इवेंचुअल यूज ऑफ द शाफ्ट तो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो कि निर्धारित करते हैं साइज ऑफ द शाफ्ट साफ मैं देख रहा हूं काफी बच्चों का सी भी आंसर आया था लेकिन कोई बात नहीं सही बच्चे अपने पास आंसर सही कर लेंगे ठीक है और जो वॉचिंग है आज की भैया बहुत धीरे है बच्चे पता नहीं क्यों पढ़ना नहीं चाह रहे हैं किसका क्या रीजन है इतने बढ़िया सवाल हैं आपके पास उनको लगाइए भाई लगाना बहुत जरूरी है अब ग्रेय पे सवाल आ चुका है और ग्रेन्स मैंने पिछले महाकुंभ में आपको दिखाया था ठीक है अलग अलग टाइप के पिक्चर की मदद से आपने क्वेश्चन भी लगाया था अब उसी के ऊपर एक सवाल और लेके आया हूं असरसन रीजन का द मोस्ट कॉमन अप्रोच टू कंट्रोल ऑफ बीच इरोजन इज टू बिल्ड ठीक है ग्रेस बनाने हैं और रीजन क्या है ग्रेन्स आर कंस्ट्रक्टेड पैल टू द शोर ही बनाते हो ताकि आप क्या कर सको पानी को कंट्रोल कर सको बीच पे आसानी से ना पहुंच सके क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है और क्या आपको बताना है पहले स्टेटमेंट का दूसरा रीजन है बता सकते हैं आप बता सकते हैं भैया ऑप्शन ए बी सी डी सब बताना है विशाल मारवाड़ी जी कह रहे हैं सर लेट हो गए कोई बात नहीं मारवाड़ी साहब ठीक है लेट हो गए हैं लेकिन देर से सही आप उपस्थित हैं ये आपको बताता है कि आप पेपर करना चाहते हैं क्रैक करना चाहते हैं आप करेंगे ठीक है लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा सर ओपन चैनल फ्लो में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कुछ बताएं ओपन चैनल फ्लो का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी चल रहा है उसको जरूर देखें एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और कल भी मैं उसके ऊपर लेक्चर लाने वाला हूं तो सभी लोग उपस्थित रहे उसमें वहां पर डिस्कशन करूंगा ठीक है अंकित सिंह जी कह रहे हैं डी सिमरन सिन्हा जी ए कह रहे हैं सर टनलिंग में वेट कितना है अप्रोक्स टनलिंग का वेट कितना है अप्रोक्स लकी यादव जी टनल तो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बना रहे हैं ठीक है तो वेट अच्छा वेटेज कितना है कह रहे हैं अच्छा देखिए टनल का बहुत बड़ा वेटेज नहीं है ठीक है मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आना है ठीक है तो उसके हिसाब से जितने क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि मेले एक एक मार्क्स जरूरी है एक एक मार्क्स जरूरी है क्यों है ये आप जानते हो लाखों रैंक आप ऊपर आ सकते हैं सिर्फ इस एक मार्क्स की मदद से और वो भी हम नहीं छोड़ेंगे ठीक है बहुत बढ़िया तो आंसर क्या है सी है पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है द मोस्ट कॉमन अप्रोच बिल्कुल सही है कि ग्रेउन्स बनाए जाते हैं लेकिन उन्हें पैरल नहीं बनाया जाता ठीक है उनको क्या बनाया जाता है उसके परपेंडिकुलर बनाया जाता है ताकि भैया जब परपेंडिकुलर बनाओगे तभी तो वो सरफेस पर रोकेगा पैरल बना दोगे तो दिक्कत नहीं आ जाएगी आ जाएगी भाई समझिए बहुत जरूरी है हाँ ठीक है तो कह रहे हैं सर आंसर ए आंसर होगा अरे भैया ध्यान दो भाई विच ऑफ मैथड यूज फॉर टनल कंस्ट्रक्शन इज नॉट सुटेबल इन रॉक्स ठीक है टनल कंस्ट्रक्शन के लिए इनमें से कौन सा मेथड है जो पत्थरों में रॉक में इस्तेमाल करने लायक नहीं है विच वन ऑफ दीज मेथड ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन इज नॉट सुटेबल इन रॉक्स रॉक्स में सूटेबल नहीं होता फुल फेस मेथड कंप्रेस्ड एयर मेथड हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड ड्रिफ्ट मेथड कौन सा मेथड है ठीक है जयप्रकाश जी कह रहे हैं मेरा गलत हो गया कोई बात नहीं जयप्रकाश जी ठीक है कोई बात नहीं ठीक है भैया देखो प्रैक्टिस करोगे आगे बढ़ जाओगे नहीं करोगे ठीक है आप देखिए जितने भी बच्चे यहां पे उपस्थित हैं वीडियो को देख रहे हैं भैया आप मेहनत कर रहे हो तभी आप यहां पे बैठे हुए हो जो सो रहे हैं वो सोते रह जाएंगे ठीक है क्यों सोते रह जाएंगे क्योंकि अब भी सो रहे हैं पेपर दे देने समय कुछ आता नहीं होगा तब भी सोएंगे और जब रिजल्ट आएगा तब भी सोएंगे लेकिन आप मेहनती लोग हैं आप एम्बिशियस लोग हैं आप करके दिखाने वाले लोग हैं मैंने पहले ही बोला था दो तरह के लोग होते हैं एक इतिहास बनते हैं एक बना देते हैं ठीक है भैया वो इतिहास रटते रह जाएंगे इतिहास में गायब हो जाएंगे लेकिन आप इतिहास बनाएंगे और वो जज्बा आपके अंदर है वो आप करके रहेंगे ठीक है तो भैया सभी लोग बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी करेंगे और क्या करेंगे साथ में शेयर करना है फेसबुक व्हाट्सएप पे करेंगे बिल्कुल करेंगे यार ठीक है तो भैया आंसर मैं देख रहा हूं काफी बच्चों के आ चुके हैं आंसर क्या है बी है कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड एयर एयर नहीं इस्तेमाल किया जाता रॉक्स के केस में क्योंकि कंप्रेस्ड एयर मैथड रॉक्स को इतनी एफिशियंटली रिमूव नहीं कर पाता है इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता तो काफी बच्चों का आंसर कह रहे हैं इन्वायरमेंट की क्लास सर नितिन जंगराजीमेंट की क्लास भी लेंगे यार बहुत जरूरी है भैया हाँ मोहित शर्मा जी कह रहे हैं जलवा भैया जलवा नहीं है क्या भैया जलवा तो होगा धांसू है भाई समझिए हाँ बहुत जरूरी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत जरूरी क्वेश्चन फिर से लाए हैं समझिए है? क्वेश्चन अलग अलग मेथड हैं अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं और आपको बता देता हूं जितने क्वेश्चन यहां पूछ रहा हूं ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये गेट में या किसी ना किसी पीएसयू में पूछे गए एक एक क्वेश्चन जो यहां लेके आए एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी पीएसयू किसी ना किसी गेट या आई के पेपर का है किसी ना किसी ईयर ER का आपको बता देता हूं ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है यह इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था ठीक है बहुत बड़ा सवाल नहीं है जेई में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कह रहे हैं फुल फेस मैथड हेडिंग एंड बेंचिंग मैथड ड्रिफ्ट मैथड कंप्रेस्ड एयर मैथड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है सभी लोग आंसर करेंगे सोर्स में यूज होता होगा सर कंप्रेस्ड एयर बिल्कुल सही बात है किरण कुमार जी कह रहे हैं नमस्कार भैया नमस्कार इंजीनियर गुप्ता जी ठीक है सर आज एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या कृष्णा मिश्रा जी देखिए हम फुल फेस मेथड और हेडिंग बेंचिंग मेथड आपको एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे ठीक है तो भैया एग्जाम के लिए तुम्हारी तैयारी पीछे रह जाएगी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे पास टाइम है ठीक है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो और समझो किस चीज के लिए कौन इस्तेमाल हो रहा है क्यों हो रहा है ये टॉपिक की जब स्टडी कर लेंगे करवा देंगे ठीक है लेकिन अभी क्वेश्चन पे ध्यान देना जरूरी है आंसर चाहता हूं सबका ठीक है कह रहे हैं सर दूसरी क्लास लेफ्ट करके आया हूं अच्छा मोहित शर्मा जी बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद कर आपका ठीक है रौनक जी कह रहे हैं ए काफी बच्चे बी और सी देखे रिकी शर्मा जी कंफ्यूज हो गए हैं रिक्की जी आपको अपने जवाब पे भरोसा रखना होगा पहले ठीक है यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है आप आंसर करिए खुल के आंसर करना है सभी बच्चों को खुल के आंसर करेंगे सभी लोग ठीक है आंसर करना है तो भैया बता दो ए बी सी डी सी आंसर भी आ रहा है बी भी आ रहा है ए भी आ रहा है और काफी ब... कुछ कुछ बच्चों ने डी भी किया है लेकिन आंसर क्या है आंसर है सी ठीक है कि भैया फुल फेस मेथड जो इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं वो टनलिंग कंटिन्यूस जब कंटिन्यूस टलिंग करते हैं तब करते हैं ठीक है जैसा का मेट्रो मेट्रो कंस्ट्रक्शन में टलिंग की जाती है कंटीन्यूअस

कंप्यूटर जी आज नाराज लगते हैं हमें ठीक है आपसे नाराज हैं क्योंकि बच्चे थोड़े कम नजर आ रहे हैं कंप्यूटर जी थोड़े इस बात से दुखी हैं और उसका इलाज क्या है आपको जल्दी जल्दी बच्चों को इकट्ठा करना होगा ठीक है कह रहे हैं सर महाकुंभ से कितने नंबर का आ सकता है महाकुंभ से गारंटी लेता हूं कम से कम पचास नंबर का तो आएगा ही आएगा इस बात की गारंटी है ठीक है ये पचास परसेंट सी पे भरोसा था सर अब कंफर्म हुआ है अरे बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया रिकी साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप अब देखिये फिर से क्वेश्चन लेके आया हूं एक एक चीज आप समझ रहे होंगे अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करें जितने क्वेश्चन लेके आओ आप मेथड किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो क्या मेथड होता है सब क्वेश्चन की मदद से ही बता दे रहा हूं टॉपिक को अलग से बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्यों नहीं पड़ रही है क्योंकि आप हर चीज स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे हैं ठीक है चलिए तो सभी का आंसर चाहता हूं या फुल फेस मैथड एंड बेंचिंग मैथड ड्रिफ्ट मैथड अमेरिकन मैथड सभी लोग आंसर करेंगे सबका जवाब चाहता हूं भाई ठीक है तो आंसर मैं देख रहा हूं आज बच्चे थोड़े सुस्त हैं भाई ठीक है मजा पता नहीं आज हम थोड़ा अच्छा नहीं फील कर पा रहे हैं देखिए सर बताओ आपका कोई एग्जाम निकला मोहसिन अली जी भैया एग्जाम निकाले हैं तभी तो यहाँ बैठे हैं वरना आपको नहीं बिठा देते यहाँ हाँ ठीक है धीरज पुरी जी कह रहे हैं टाइमर को सर टाइमर को बिल्कुल हाँ लगा दिए भैया सर प्लीज़ एग्जाम मिक्स क्वेश्चन कराओ ठीक है मिक्स क्वेश्चन कराएंगे यार अभी आप देखो क्वेश्चन बदल देंगे तुम चिंता क्यों करते हो भाई हम बैठे हैं ना पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं पूरी प्लानिंग है भैया पेपर कैसे निकालना है पूरी प्लानिंग है निकलवा देंगे यार तुम चिंता क्यों करते हो हम बैठे हैं ना तुम्हारे साथ बात बाकी जैसा, जैसा जैसा बताते हैं करते चले जाओ हो जाएगा ठीक है कह रहे कंफ्यूज है कुछ भैया कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है आंसर हम बता देते हैं बी है ठीक है तो हेडिंग एंड जो बेंच जो आपका हेडिंग एंड फुल फेस मेथड ठीक है जो फुल फेस मेथड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है समझिए हाँ किसके लिए फॉर टनलिंग ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया अभी मैंने बताया था ठीक है स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए करते हैं ठीक है

वहां पे वो क्वेश्चन क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको पूरे जोश के साथ करना है बड़ा छोटा नहीं आंसर ए बी सी या डी करेंगे कर देंगे यार आप लोग बहुत बहुत बढ़िया हैं ठीक है सर मैं आपका क्लास ऑनलाइन किया बट आज तो मेरा भी नाम ले रहे हैं बहुत बार धीरजपुरी जी अच्छा धीरजपुरी जी देखिए हम सबका नाम लेने की कोशिश करते हैं ऐसी नहीं है बात कि हम आपको कोई इग्नोर कर रहे हैं लेकिन कभी कभी छूट जाते हैं भैया इतने बच्चे आ जाते हैं उनके कमेंट

कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लो इन ब्लो आउट मैथड आप बता सकते हैं सभी लोग आंसर करना होगा ठीक है जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे आज बच्चे भैया बहुत कम है मजा नहीं आ रहा है देखो हम ठीक है सच बताएं आज तक में बहुत मजा आया था आज मजा नहीं आ रहा है और ये मजा भैया जब तक मजा नहीं तब तक कुछ नहीं ठीक है कह रहे हैं सर मैं न्यू हूं संदीप कुमार जी बहुत बढ़िया स्वागत है आपका इंजीनियर गुप्ता जी अच्छा आलोक राज जी कह रहे हैं अच्छा विवेक काफी बच्चों का ए आ रहा है बी भी आया है देखिए ठीक है तो मैं देख रहा हूँ बच्चे काफी मेहनत के साथ आंसर कर रहे हैं वैभव वे, जी का डी आया है देखिए ठीक है रजत साहब जी का डी आया है, तो काफी ए और डी में कंफ्यूजन हो चुका है कॉम्बिनेशन भी आया देखिए मतलब combination मतलब कॉम्बिनेशन डी कह रहे हैं ठीक है तो तो ए और डी डी में कंफ्यूजन है 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 भाई तो आंसर क्या कॉम्बिनेशन ब्लो ब्लो इन एंड आउट मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता हूं ठीक है तो आकाश जी कह रहे हैं कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बात है आकाश जी आपका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है मोहित शर्मा जी कह रहे हैं ये तो ए है हंड्रेड नहीं भाई ध्यान दो ब्लो इन ब्लो आउट क्योंकि आपको वेंटिलेशन करना है और वेंटिलेशन ब्लो पहले हवा अंदर लेके जानी पड़ेगी फिर आउट करनी पड़ेगी तो ब्लो इन एंड ब्लो आउट मेथड का इस्तेमाल करना है बहुत जरूरी है भाई आ, समझ रहे हैं तो सिर्फ हवा अंदर नहीं लेके जानी है बाहर भी ले जानी है ध्यान दीजिए बहुत जरूरी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत बढ़िया ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द थ्योरीज ऑफ क्रीप इन रेल क्रीप इन रेल भैया रेलवे का पेपर है आपसे रेल का सवाल नहीं पूछेंगे पूछेंगे भाई अब पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा देंगे दे दीजिए ठीक है सर बच्चे अब लगता है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ठीक है जीपीएससी में साढ़े तीन सौ वैकेंसी आने वाली है आपकी क्लास चालू कर सकते हैं क्या सिविल जी बिल्कुल चालू कर देंगे चिंता मत करो ठीक है अभी आरआरबी जेई का पेपर जल्द हो रहा है उसको निपटा देते हैं और फिर आपकी डिमांड पे उसको भी शुरू कर देंगे यार ठीक है तो भैया तब तक चैनल के ऊपर जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनको स्टडी करते रहो ठीक है रिकी जी कह रहे हैं आई वॉज राइट अगेन बिल्कुल सही जी ठीक है ड्रैक थ्योरी कह रहे हैं अलका राव जी बी कह हैं मेरा गलत हो गया इंजीनियर गुप्ता कह रहे हैं इंजीनियर गुप्ता है तुमने नाम ही इंजीनियर गुप्ता रख लिया भाई साहब बड़े गजब लौंडे हो यार तुम तो बहुत तगड़ा खेल गए हो यार ठीक है फिल्मी फन जी कह रहे हैं रिवर्सल हंड्रेड परसेंट वेक मिश्रा जी डी कह रहे हैं अरे वाह भैया देखें भाई क्या कहना चाहते हो बहुत तगड़ा ठीक है तो रिवर्सल थ्योरी जैसी कुछ भी नहीं होती वेव थ्योरी होती है परक्यूशन थ्योरी होती है और ड्रैग थ्योरी होती है जो क्रीप ऑफ रेल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है रिवर्सल थ्योरी कोई थ्योरी नहीं है ठीक है तो डी आंसर होगा काफी बच्चे आंसर तरीके से कर रहे हैं भाई ठीक है मजा आ रहा है देखिए मजा आ रहा है ना हाँ मजा आना चाहिए अब जल्दी जल्दी ये लाइक दो सो क्रॉस कर दो ताकि हमारा भी मजा डबल हो जब हमारा मजा डबल होगा तो तुम्हारा भी कर देंगे समझिए आ, ले दे के काम चलता है क्योंकि महाकाल की कृपा जिसके ऊपर है वो सब कुछ करेगा और महाकाल की कृपा किसके ऊपर होती है हम पहले भी बताएं जो अपनी मदद करता है आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर करके ताकि मैं आपके लिए महाकुंभ के सेट्स लाता रहूं और हम सक्सेसफुल होते रहें ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत जरूरी हाउ कैन एडिशनल एक्सेस ऑफ मक एंड नेचुरल वेंटिलेशन इन लॉन्ग टनल लंबे टनल्स के अंदर मक को रिमूव करना ठीक है नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना और एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड करना किस तरह अचीव किया जा सकता है चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी ठीक है

हाँ रजत जी कह रहे हैं ट्वेंटी टू का सी कह रहे हैं भैया हाँ रिकी शर्मा जी सी कह रहे हैं ठीक है राम्या श्री जी डी कह रही हैं तो देखिए सी और डी कन्फ्यूजन शुरू हो गया भैया फिर से कंफ्यूजन शुरू हो चुका है हाँ मतलब एग्जाम में अंत गलती हो रही यहाँ लेकिन हम नहीं होने देंगे पहले बता रहे हैं ठीक है फोड़ के रख देंगे पेपर को यार कैसी बात कर रहे हो तुम ठीक है कैसे पढ़ेंगे सही जवाब देख और सही जवाब आप जानते हैं आपके स्क्रीन पे है क्या है सी है ठीक है बाय प्रोवाइडिंग एडिट्स एंड शाफ्ट एडिट्स एंड शाफ्ट प्रोवाइड कर दो ठीक है उसकी मदद मतलब से क्या कर सकते हो आप शाफ्ट की मदद मतलब से आसानी से मक को भी रिमूव कर सकते हो प्रॉपर वेंटिलेशन हवा को भी सर्कुलेट करा सकते हो और उसी की मदद मतलब से एडिशनल एक्सेस भी मिल जाएगा ध्यान देने की जरूरत है, है, हाँ। है, 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 बहुत बहुत जरूरी ठीक ठीक पे हैं, बढ़िया 200 है? एक स्टील का कॉलम है जिनको दोनों एंड से क्या कर दिया गया है पिन कर दिया गया है ठीक है और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पी सी आर बताई थी कितनी है दो सौ किलो न्यूटन है भाई उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है लिटरल मूवमेंट से तो मुझे यह बता दो भैया उसका बकलिंग लोड कितना होगा दो सो होगा टू एटी थ्री होगा चार सौ होगा आठ सौ होगा क्या होगा ठीक है सिमरन जी हाँ आंसर करें फटाफट सर श्रीवास्तव जी आदमी दिखा देने शिवम सिंह जी कह रहे हैं सी शिव सेठ जी कह रहे हैं सर ये मक क्या होता है मक भैया देखो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ठीक है तो अंदर मिट्टी होती है जो हमें टाइम टू टाइम रिमूव करनी पड़ती है अंदर कूड़ा मिट्टी जो इकट्ठी उसको मक कहा जाता है ध्यान देने की जरूरत है हाँ बहुत जरूरी है ठीक है फॉर्मूला भूल गया कह रहे हैं फिल्मी फन फार्मूला ऐसे एग्जाम में कैसे भूल जाओगे यार समझो यार ठीक है बताए थे यार पी क्या होता है

ठीक है तो भैया कितना इफेक्टिव लेंथ रख दिया तो पाई स्क्वायर ई आई बाय एल बाय टू का होल स्क्वायर आ गया मतलब इसका क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर स्क्वायर ई आई बाय एल हो गया ठीक है और लोड कैरिंग कैपेसिटी जब नॉर्मली दोनों एंड से हिंज था ठीक है तो कितना था पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर का वैल्यू आपका दो सौ के बराबर था यही था भैया दो सौ अगर इसका है तो इतने का बता दो कितना होगा 4 multiply by 200, मतलब 800 किलो न्यूटन। तो दो कुछ नहीं भूलेंगे स्क्रीन से हटा दो, 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 तो दो बच्चे देखना चाहते हैं हा? बहुत बढ़िया हाँ देखिए तो आंसर क्या रहा आ रहा है डी आ रहा है ठीक है तो सिमरन सिन्हा जी आंसर सही करेंगे यादव साहब आंसर सही करेंगे कृष्णा जी कह रहे हैं पिन में लेफ्ट भैया पिन में था लेकिन जब आपने री, लिटरली रिस्ट्रेन कर दिया रिस्ट्रेन मतलब उसको आप फिक्स कर दिया फिक्स कर दिया तो भैया क्या हो जाएगी एल वाई टू नहीं हो जाएगी तो तो भैया यही समझना था क्वेश्चन में सभी लोग करके आएंगे ठीक है दो ही लगा के आएंगे लेकिन तुम नहीं ठीक है, है? है भाई ठीक है तो भैया टाइमर लगाएंगे भाई बहुत जरूरी है भाई समझिए हाँ तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए ठीक है शेयर करना है और लाइक करना है ठीक भाई हाँ, बहुत जरूरी है बहुत जरूरी देखिए डी आंसर आ गया है बहुत बढ़िया आप बता दीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ़ लेंथ एल फ़िक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड इज़ बता सकते हैं आप ठीक है बता दीजिए टाइमर लगा दीजिए भाई मिडनाइट क्या है ये मिडनाइट मिड हाइट है भाई

किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या मैंने आपको बताई है और क्या आई एस ये गलती नहीं कर रही है ठीक है ठीक है, है कह रहे हैं आंसर दे दिया आप हाँ गलती से दे दिए भाई ठीक है तो भैया जब वन एंड फिक्स होगा ठीक है तो वन एंड फिक्स जब वन एंड फिक्स रहता है क्योंकि एक एंड से आपने उसको मूवमेंट मना किया है रोटेशन

कंडीशन क्या होगी हो इफेक्टिव लेंथ डज नॉट एक्सीड्स इस डायमेंशन बाय उसकी डायमेंशन जो उसकी इफेक्टिव लेंथ है वो उसकी डायमेंशन से उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन मैं कहते हैं उसके डायमीटर से कितने टाइम्स से ज्यादा एक्सीड नहीं करती आपको बताना होगा बारह तीन गुना सोलह गुना आठ गुना कितने गुना सभी जान बताएंगे अमन राव जी कह रहे हो नए हैं कोई बात नहीं रहे पार्शियली रिस्ट्रेंड एट वन एंड के केस में होता है तो बी आंसर कर रहे काफी बच्चे यहाँ पे काफी बच्चों का आंसर भी आ रहा है जल्दी जल्दी भैया तुम्हारे आंसर है बहुत धीरे आ रहे हैं देखो मजा नहीं आ रहा है देखो आंसर जल्दी चाहता हूँ जल्दी आंसर आएंगे तभी तो आगे करेंगे यार तुम यार बिल्कुल ही बिल्कुल आज तुम सुस्त लौंडे बिल्कुल यार ठीक है अब देखो थोड़ा जोश आया है लड़कों में सेठ सेठ जी जी कह रहे हैं, कह रहे रहे हैं हैं शुभम ए काफी बच्चों का आंसर देखिए ए और बी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है आंसर भैया थ्री जान दो ठीक है अगर इफेक्टिव लेंथ उसकी लीस्ट लिटरल डायमेंशन मान लेते हैं डायमीटर ऑफ द कॉलम से थ्री तीन से ज्यादा उससे गुना एक्सीड नहीं करती है तो वो पेडिस्टल कहलाता है अगर कर गई तो फिर वो कॉलम कहलाएगा तो कंप्रेशन मेंबर इसके लिए लीस्ट लिटरल डायमेंशन से उसकी लेंथ तीन गुना से ज़्यादा एक्सीड ना करे वो पेडेस्टल है अगर उससे ज़्यादा कर जाती है अगर एल इज ग्रेटर देन थ्री देन इट इज़ नोन एज कॉलम तब उसको कॉलम कहा जाएगा अन्यथा उसे पेडेस्टल बोला जाता है ठीक है तो आंसर डी बन गया बी बन गया है ठीक है चलिए साफ ही बच्चों का साहिल मल्होत्रा जी सी रहे हैं नहीं साहिल मल्होत्रा साहब आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा एरिया बीम शेल ग्रेटर देन। एरिया कितना होना चाहिए एक बीम के अंदर इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए आरसीसी बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं ठीक है आइए इसका का पेपर भी आप मेरे आरसीसी के लेक्चर से निकाल सकते हो निकाल सकते हो तो भैया जब इतनी मेहनत किए हो देखे हो मेहनत की हो तो आंसर करो यार ठीक है गलती नहीं करनी देखो पहले बता रहे हैं आ, बहुत जरूरी है अतुल जी कह रहे हैं अच्छा इट इज अ शॉर्ट कॉलम रिजुदास जी ठीक है हाँ एक तरह से शॉर्ट कॉलम भी कहा जा सकता है लेकिन उसको कह रहे हैं स्पीड इंक्रीज कर दें आशीष मालविया जी स्पीड भैया बहुत तेज समझ लो हाँ ठीक है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन पे आ चुके हैं कह रहे हैं क्या कह रहे हैं भाई रिकी शर्मा जी ए कह रहे हैं शिखर यादव जी बी कह रहे हैं काफी बच्चों का आंसर ए बी सी ए बी सी देखिए स्प्लिनर रॉय भी आ गई है वेलकम स्प्लीनर रॉय ठीक है आंसर ए आ रहा है बी भी आ रहा है सी भी आ रहा है ए बी सी अब देखिए यहां कंफ्यूजन हो गया सर तो इसका पीडीएफ मिलेगा क्या बिल्कुल मिलेगा टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाओ हम वहां पे दे देंगे बस बात खत्म हो गई ठीक है तो भैया टेलीग्राम पे जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बच्चे जुड़े हैं कैसे जुड़े हैं वो टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया उसको फॉलो किए हैं ठीक है और फॉलो करके हमारे साथ जुड़ गए हैं जब जुड़े काम बन गया समझ रहे हैं हाँ बहुत जरूरी है ठीक तो आंसर कह रहे हैं ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी लेकिन भाई बहुत कन्फ्यूजन कर दिया भाई तुम ठीक है भैया इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है मिनिमम ए एस टी एस टी मिनिमम कह रहा हूँ ए एस टी मिनिमम का फॉर्मूला वहां बताया था ठीक है ए एस टी मिनिमम क्या था पॉइंट एट फाइव बी डी बाई एफ वाई इसको किस फॉर्म में बताया था यहाँ पे फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया एक्चुअल फॉर्म क्या था एक्चुअल फॉर्म आपको बता देता हूँ ए एस टी मिनिमम अपॉन बी डी इक्वल्स टू पॉइंट एट फाइव बाई एफ वाई ये लिखे थे हम अपने लेक्चर में और बताए थे तुम देखे नहीं हो इसलिए गलती कर रहे हो ध्यान देने की बात है भाई स्क्रीन से हटा दो मुझे एक बार आ, बच्चे देखना चाहते हैं भाई कह रहे हैं विशाल जी बहुत मेहनत करने के बाद जुड़े हैं टेलीग्राम से भैया जुड़ना बहुत जरूरी है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है हाँ समझ रहे हो बहुत जरूरी है भाई हाँ ठीक है तो कह रहे हैं क्या मैक्स हाँ हाँ जीरो पॉइंट हाँ पॉइंट जीरो फोर परसेंट आ, बहुत जरूरी है भैया तैयारी तुम्हारी बहुत जल्दी चल रही है शारदा कुमार जी भी आ गई हैं चलिए बहुत बढ़िया आलोक राज जी एस पर आई कोड बिल्कुल आई कोड कौन सा आई फाइव सिक्स टू थाउजेंड ये सभी को याद रखना होगा सबसे जरूरी कोड है भाई सिविल इंजीनियरिंग का सबसे जरूरी कोड नहीं याद रखोगे रखोगे भाई तुम तो यार बिल्कुल होशियार लौंडे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत बढ़िया जिसने इस आंसर कर दिया मतलब तैयारी जबरदस्त चल रही है ठीक है एन एनआरसी कॉलम विथ थ्री हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड एम एम स्क्स क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का कॉलम है ठीक है कॉलम कैसा है स्क्वायर सेक्शन का तीन सौ तीन सो डायमेंशन है ठीक है कह रहा है एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपने इस्तेमाल किया कर लो भाई जैसा जैसा कहता है करते चले जाओ फोर नंबर ऑफ डायम ठीक है चार बार इस्तेमाल करें हैं कितने बीस एम mm एम के ठीक है उसके बाद कहता है कि जो स्टील है वो एफ ई फोर वन फाइव है लो मान लिया कहता है अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट एक्सियल कंप्रेसिव लोड आपको बताना है अल्टीमेट एक्सजियल कैरिंग कैपेसिटी तो भैया एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या पी यू बतानी है पी यू बताने का फॉर्मूला आपको बताए हैं ठीक है थीके? तो भैया बता दीजिए सर आप इतने अच्छे से आर सी सी के लेक्चर पढ़ाए हैं सर गलत कैसे करें करते क्वेश्चन बिल्कुल रिकी शर्मा जी आप गलत नहीं करेंगे आप पूरा भरोसा है भैया हमें ठीक है आप पेपर निकाल के आएंगे कह रहे हैं सर टेलीग्राम का नंबर शेयर कर देना आज फर्स्ट क्लास से आशीष जी टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड करते हैं भैया नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं ध्यान दीजिए लिंक को फॉलो करना है ध्यान हाँ बहुत जरूरी है ठीक है कह रहे हैं हाँ बच्चों का आंसर देखिए जल्दी जल्दी भैया लाइक करते चलो लाइक करते चलो भाई मजा आ, बहुत मजा आ रहा है हाँ बहुत मजा ठीक है तो कैसे करना है ठीक भैया स्क्रीन हटा दो मुझे सॉल्व कर देते हैं बच्चों के लिए पी यू का फॉर्मूला भैया क्या था पीयू का सिंपल सा फॉर्मूला बताए थे आपको पॉइंट फोर फाइव ये दिया एफ सी के एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया है ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट भैया सेक्शन ये बनाए हो कितना है तीन सौ तो बी इंटू डी मतलब बी का स्क्वायर होगा भी स्क्वायर के, के केस में तो स्क्वायर uh, के सेक्शन के केस में कर दिया प्लस पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाई एफ वाई क्या है चार सौ पंद्रह ग्रेड ऑफ स्टील दिया है और एरिया ऑफ स्टील सेक्शन भी बताना है भैया तो चार बार है एक बार का एरिया कितना होगा पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर डी कितना है बीस एम एम बीस का स्क्वायर कर देते हैं और चार ऐसे थे तो आपने चार से और मल्टीप्लाई कर दिया था सबको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा आंसर कितना आ रहा है पूरा सॉल्व करने पे बारह सौ एक पॉइंट वन थ्री किलो न्यूटन ठीक है भैया आंसर आपको पता है आप आंसर कर सकते हो ठीक है आशीष मालवा जी कह रहे हैं कि भैया टेलीग्राम यूज नहीं करता हूँ आपके लिए आएंगे बिल्कुल आ जाओ यार ठीक है भैया तुम्हारी मदद के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं तुम्हें आना तो पड़ेगा किरण राजपूत जी कह रहे हैं एरर बता रहा है लिंक नहीं खुलता है किरण करण राजपूत जी कह रहे हैं ठीक है कोशिश उसको सही करवा देते हैं आ, अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको सही करा इसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा आंसर सी बनेगा क्यों बनेगा क्योंकि भैया आप उससे ज्यादा लोड नहीं कैरी करा सकते जितना भी आपने कैलकुलेट किया उससे कम जरूर करा सकते हो मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी इसके हिसाब से कितनी हो गई क्योंकि पंद्रह सौ अड़तालीस सौ ज्यादा हो जाएगा ये भी ज्यादा हो जाएगा इसलिए जो मैक्स मोस्ट सूटेबल आंसर बनता है वो 1198 हंड्रेड किलोमीटर बनता है तो सी बिल्कुल सही आंसर है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक सर पॉइंट भैया ध्यान देने की जरूरत है ठीक है तो भैया सुपर शनिवार का इनको वीडियो दिखा दें भाई सुपर शनिवार को जो क्लास आ रही है हेलो हाँ। फ्रेंड्स इस सुपर शनिवार में आपके लिए लेके आ रहा हूं एक लक्ष्य मैराथन क्लास जिसमें हम सारे सब्जेक्ट से मिला जुला के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी करेंगे साथ में बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड वो भी करने वाले हैं क्योंकि सीबीटी टू इसी बार क्रैक करना है और हम करके रहेंगे थैंक यू ठीक है, है याद पॉइंट फोर जीरो इन प्लेस ऑफ पॉइंट फोर फाइव नहीं ठीक है इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस पॉइंट फोर फाइव को इस्तेमाल करेंगे ठीक है बिल्कुल सही बात है शिवम सिंह अब शिवम सिंह जी देखिए हाँ शिवम सिंह जी देखिए डीप स्टडी करके आए हैं ठीक है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी ठीक है ये कॉन्सेंट्रेट सर्कल है इसमें पॉइंट सेवन एफ वाई लिया जाता है बिल्कुल सही बात है ठीक है इसीलिए तो कंडीशन के भैया सिविल इंजीनियर हो भाई तुम सिविल इंजीनियर तो जैसे कंडीशन चेंज हुई वैसे ही वैसे आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदल जाते हैं ठीक है तो बिल्कुल मजा आना बहुत जरूरी है इसीलिए वीडियो को लाइक करते चलो भाई कृष्णा मिश्रा जी धासु है भैया समझो ठीक है कह रहे हैं जनार्दन साहब जी कह रहे हैं ओके बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई ठीक है वेल फाउंडेशन आर कॉमनली यूज एज फाउंडेशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स किन स्ट्रक्चर्स के लिए वेल फाउंडेशन यहां पे इस्तेमाल की जाती है वाटर टैंक के लिए ब्रिजेस के लिए बिल्डिंग के लिए रेसिप्रोकेटिंग प्रोकेटिंग मशीन के लिए किसके लिए इस्तेमाल करनी है आपको आंसर करना है भैया एग्जाम के अंदर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यस बोरा जी कह रहे हैं सर प्लीज रिप्लाई किस चीज का रिप्लाई करना है भाई बता दीजिए जी कह रहे भैया बहुत जरूरी है आ, ठीक है कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जय महेशमती अरे भैया महकाल जय महकाल ध्यान देने की जरूरत है भाई हाँ ठीक है बहुत जरूरी है तो आंसर बी भी कर रहे हैं सी भी कर रहे हैं बी भी कर रहे हैं सी भी कर रहे हैं देखिए कंफ्यूजन हो गया ना तो बी आंसर भी आ रहा है और सी आंसर भी आ रहा है ध्यान देने की जरूरत है ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल सही है बी इज द राइट आंसर ठीक है बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना टाइम बर्बाद किए द ग्रुप ऑफ अ पाइल ग्रुप भैया से फाउंडेशन बनाओगे में फाउंडेशन बनाओगे बनाओगे पाइलिंग करोगे करोगे तो एफिशियंसी बता दो ग्रोप पाइलिंग भी बताइए डीप फाउंडेशन पढ़ाए हैं बहुत तरीके से पढ़ाए हैं आप बताएंगे अब ग्रोप एफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रोप इज ठीक है विल ऑलवेज बी लेस देन हंड्रेड परसेंट विल ऑलवेज बी अच्छा बी ऑप्शन में ग्रेटर कर लेंगे वो लेस लिखा हुआ है ग्रेटर कर लेंगे ठीक है बी ऑप्शन में ग्रेटर कर लेंगे ए ऑप्शन में लेसर है बी ऑप्शन में ग्रेटर है ठीक है तो लेसर और ग्रेटर क्या होगा या सी के हिसाब से क्या मे बी लेस देन देसेंट और मोर देन हंड्रेड परसेंट या डी ऑप्शन कहता है विल बी मोर देन हंड्रेड परसेंट फॉर पाइल ग्रुप इन कोसॉइल एंड लेस देन हंड्रेड परसेंट फॉर दोन तो आपको आंसर करना है ठीक है तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए भैया देखो डी फाउंडेशन बहुत जरूरी है और डी फाउंडेशन में पाइलिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मायने रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अक्सर एल एम आर सी डी के अंदर इसके क्वेश्चन ज्यादातर देखे जाते हैं और भैया जब रेलवे का काम करोगे तो वहां पर भी आपको इन सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा मतलब पाइलिंग वहां भी इस्तेमाल की जा सकती है और वहां पर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है ठीक है तो आंसर देखिए ए बी सी डी काफी सारे आ रहे हैं रिकी शर्मा जी ग्रेटर कह रहे हैं सिमरन सिन्हा जी डी कह रही है दास जी डी कह रहे हैं अतुल जी ए कह रहे हैं डी डी भी आ रहा है देखिए

ठीक है क्योंकि भैया महाकुंभ हम आपके लिए चला रहे हैं इतना तो आपको करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है हाँ। तो पूरे -पूरे दिन करके बनाएं और तुम आओ ना यार कर देते हैं आपके लिए बिल्कुल बी है बिल बी ग्रेटर देन। तो बी आंसर बिल्कुल सही है ध्यान दो ठीक है भैया ग्रुप एफिशिएंसी 100 परसेंट से ज्यादा होगी तभी तो ग्रुप करोगे वरना अलग अलग फाइल नहीं बना लोगे ध्यान दो भाई

के तक व्यू आ जाते हैं टेंशन मत लो शैलेंद्र पटेल जी भैया देखो हम टेंशन तो लेते ही नहीं है ना टेंशन हम लेते नहीं है दे देते हैं बहुत ज़रूरी है हाँ ठीक है पन्ना भाई एम बी बी एस हम भी देखे हैं तो कह रहे हैं ड्रीम सिविल जी कह रहे हैं सॉइल टाइप रिजू दास जी कह रहे हैं बी किरण कुमार जी बी ठीक है आज मॉक में आया था ठीक है लकी यादव जी कह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है भाई हाँ ठीक है तो आंसर ए भी देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा

ठीक है दिमाग में रजिस्टर कर लेना है यहां पे छप जाएगा ना जैसे ही यहां छपेगा एग्जाम के अंदर जाओगे देखोगे काम खत्म क्यों सवाल भैया जवाब छपा हुआ है दिमाग में टिक करो आगे बढ़ते हैं जो तीस सेकंड भी ले रहे हैं ना वो भी नहीं लोगे वो तीन सेकंड में काम हो जाएगा कैसे होगा कंसिस्टेंसी के साथ कैसे होगा रेगुलरिटी के साथ कैसे होगा बार बार रिवीजन के साथ तो भैया जो लोग कहते हैं ना मैं भूल जाता हूं वो भूल इसलिए जाते हो क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो रिविजन जो उसने करा है वो कभी नहीं भूलता ध्यान दो ठीक है तो आंसर काफी बच्चे कर रहे हैं चलिए आंसर जानना चाहते हैं भैया बी द द सराउंडिंग सेटल्स मोर देन पाइल बताया था आपको कि भैया जब लूज सैंड होती है ठीक है sand होती है लूज सैंड होती तो भैया ये पाइल है पाइल के अंदर अगर ऊपर से कोई लोड आया तो भैया सोइल भी सेटल करेगी पाइल भी सेटल करेगी ठीक है लेकिन सॉइल अगर ज्यादा सेटल कर जाए तो फ्रिक्शन क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा क्यों क्योंकि पाइल से ज्यादा सैंड जो क्या कर गई है सेटल कर गई है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी क्या हो जाती है कम हो जाती है लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की कम हो जाती है ठीक है लेस हो जाती है भैया ठीक है तो भैया नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है ठीक चलिए सभी लोग बहुत बढ़िया प्रधान साहब भी आ गए हैं बहुत बढ़िया अंकित सिंह जी भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है बोथ रेनॉल्ड एंड फ्रॉड नंबर एज्यूम सिग्निफिकेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इनमें से किस एग्जांपल के लिए आप फ्रॉडेज और रेनॉल्ड नंबर का इस्तेमाल करते हैं आपको ऑप्शन दिए गए हैं मोशन ऑफ सबमरीन एट लार्ज डेप मोशन ऑफ शिप इन डीप सीज क्रूजिंग ऑफ अ मिसाइल इन एयर या फ्लो ओवर स्पिल आंसर करो भाई ठीक है लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस बिल्कुल सही बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन बहुत बढ़िया ठीक है तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं देखिए ठीक है केबीसी भी स्टार्ट हो गया है अभी जब आपका कंप्यूटर जी वहां चले गए अच्छा आशीष मालविया जी के रिव्यू आ रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है क्या कह रहे हैं जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें भैया सबका आंसर चाहता हूं ठीक है जल्दी जल्दी आंसर करना है जल्दी 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 ठीक है क्योंकि पूरी एनर्जी रखनी है पूरी एनर्जी अंदर से एनर्जी निकल के आनी चाहिए पूरी ताकत से निकल के आनी चाहिए जब अंदर से एनर्जी निकलेगी ना दिमाग में सेट हो जाएगा करके दिखाना है दिखाना है ना कर दो ठीक है कह रहे हैं अच्छा ए बी सी डी तो सिप्लिनर रॉय जी कह रही हैं बी ठीक है किरण जी कह रहे हैं मिसाइल के लिए अच्छा ठीक है तो मिसाइल के लिए क... <coughs> देखिए अब आंसर ए बी सी डी सब तरह के आंसर आ रहे हैं सभी तरह के आंसर आ रहे हैं हम्म hmm, ये तो गड़बड़ है भाई गलती हो रही है इतना गलती कैसे है भाई ध्यान दीजिए बी आंसर है मोशन ऑफ शिप इन डीप सीज ठीक है डीप सीज में भैया डीप सी में जब पानी में फ्लो करता है तो वहां पे फ्रॉडे नंबर और रिनॉर्ट्स नंबर की मदद से वहां पे एनालिसिस करता हूं ध्यान देने की बहुत जरूरत है भाई हां ध्यान दीजिए ठीक है तो कह रहे हैं मोशन इन डीप सीज बिल्कुल सिमरन सिन्हा जी बिल्कुल सही आंसर है सिमरन सिन्हा जी बी आंसर कर रही है काफी अच्छा कर रही है ठीक है शिप में विस्कोसिटी में इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी भी में बिल्कुल स्प्लिन रॉय जी बिल्कुल बहुत सही आंसर है स्प्लिनर जी आप काफी मेहनत कर रही करिए बहुत बढ़िया ठीक है तुषार शर्मा जी का भी आंसर सही है ठीक है सिमरन सिन्हा जी अच्छा हाँ सोम भाई अपना हाँ बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बहुत बढ़िया आंसर ठीक है एन इम्पल्स टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन ऑलवेज ऑपरेट सबमर्ज मेक्स यूज ऑफ अ ड्राफ्ट ट्यूब ठीक है आपको बता देते हैं हाँ बहुत जरूरी है भाई ऑपरेशन ऑपरेट बाय इन

किरण राणा जी के गलत हो गया कोई बात नहीं ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग का क्या करूं ठीक है टनल इंजीनियरिंग के सौरभ जी आप लेट हैं आपको आज इतने क्वेश्चन करवाए हैं लगभग लगभग 16 से 17 क्वेश्चन सिर्फ टनल के कराए हैं आप लेट आए हैं ये आपकी गलती है आपको लेट नहीं होना है जब आठ समय आठ बजे का समय मैंने पहले से ही फिक्स कर रखा है जब मैं अपना समय आपको दे रहा हूं तो आपको पेपर क्रैक करना है आपको आठ बजे यहां पे होना चाहिए था क्यों नहीं थे आप ठीक है गलती दोबारा नहीं करेंगे आप ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है तो बच्चों आप बहुत मेहनती लोग हैं आप इस तरह की गलती नहीं कर सकते ठीक है तो कह रहे हैं सी काफी बच्चों का सी आ रहा है डी भी आ रहा है देखिए ठीक है किसका पंचाल गोयल जी का आ रहा है ठीक है पंचाल गोयल साहब प्या प्यासी जी का भी आ गया अभिषेक प्यासी ओके तो सी और डी में कंफ्यूजन है देखो ठीक है आंसर सी है पूरी तरह से उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है इंपल्स टर्बाइन क्योंकि उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से जो मेरा क्या है वहां पे उस टर्बाइन को मैं रोटेट करा रहा हूं ठीक है पानी से काइनेटिक एनर्जी से क्या हूं? कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ और वो कब होगी जब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास अच्छी खासी अमाउंट में अवेलेबल होगी तभी भैया जनरेटर क्या करेगा रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बिल्कुल सही ठीक है अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ओपन चैनल फ्लो से पूछ लिए हैं फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ टेक्स प्लेस इन एन ओपन चैनल वेन ओपन चैनल में क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो कब होता है आप सभी को आंसर करना होगा भाई ठीक है रिजुदास जी बिल्कुल ठीक है तो भैया धांसू तरीके से शुभम सिंह जी कह रहे हैं कैसे हैं सर आप बहुत बढ़िया हैं सर मेरी न्यूमेरिकल वीक है किरण राणा कोई दिक्कत नहीं यार इतने न्यूमेरिकल करा रहा हूं महाकुम के जितने अभी तक सेट हुए 14 सेट चल रहा है इसके अंदर बहुत न्यूमेरिकल कराए हैं उन न्यूमेरिकल्स को लगा लो आपकी वीकनेस अपने आप खत्म हो जाएगी न्यूमेरिकल को लेकर ठीक है भैया वीकनेस को आप अपनी सक्सेस में कैसे बदलेंगे प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करो यार महाकुंभ भैया महाकुंभ कोई छोटी मोटी बात नहीं है महाकुंभ महाकाल का आशीर्वाद महा का होता, होता रहेगा ठीक है? रहे कोई कोई है आंसर बी ए बी काफी सारे आ रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर बी है गिवन डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी अगर स्पेसिफिक एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम होगी तो डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा ठीक है सॉरी डिस्चार्ज मैक्सिमम नहीं फ्लो हो पाएगा क्रिटिकल डेप्थ पे ठीक है तो क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो कराने के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए ठीक है बहुत जरूरी है भाई ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं

डी विवेक मिश्रा जी बी पैसे रिमोट कह रहे हैं अच्छा ओके अच्छा पैसिव रिमोट जी भी आ रहा है देखिए सी और डी आंसर आ रहा है काफी सर मैं अपने कौन से कॉलेज से स्टडी की है साहिल जी भैया हमारे कॉलेज का क्या करोगे तुम तो? बताओ हैं इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं इतना कुछ पढ़ा दिए हैं हमारे कॉलेज कॉलेज का का करोगे बताओ घूमने जाओगे भैया तुम घूमने के शौकीन लगते हो हमें बहुत ज़रूरी है भाई ठीक है कह रहे हैं पैसिव सी आंसर भी आ रहा है बी भी आ रहा है डी भी आ रहा है सी भी आ रहा है कह रहे हैं साहिल मतरो फालतू सवाल पूछ के टाइम मत खर अरे यार तुम यार ठीक है चलो कोई बात नहीं बच्चे अपने अपने तरीके से अपने अलग अलग सवाल पूछते हैं ठीक है कोई बात नहीं ठीक है भैया देखो सबसे बड़ी चीज है क्या आपको क्वेश्चन से मदद मिल रही है मिल रही है ठीक है आपको बता देता हूँ इतने साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं लिए हैं कितनी बार गेट क्वालिफाई किए हैं कितनी बार आपका ई एस क्वालिफाई किए हैं ठीक है थीके? कितने आपके एन बी सी सी एन पी सी सी जैसे जो पेपर आप देते रहते हैं तो कितनी बार क्वालिफाई किए हैं ठीक है थीके? ऐसे नहीं बैठे हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मदद करने के लिए ऐसे नहीं बैठे हैं बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान देना होगा ठीक है हाँ सर ने टॉपिक चेंज कर दिया सचिन यादव जी कह रहे हैं अच्छा बहुत ज़रूरी है पाल जी डी कह रहे हैं अच्छा क्या आंसर है वर्षा जी आंसर यार तुम पूछ लो यार हम बता देते हैं पैसिव है बिल्कुल ठीक है तो पैसिव रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है एक टेक बनाए थे मिनट का उसमें रिमोट सेंसिंग बताए हैं चैनल पे सर्च करके आप उसको देख सकते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सचिन कुमार जी ए कह है रहे हैं ठीक है तो बच्चे ध्यान दें सभी लोग आंसर करेंगे ठीक है द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट नीडेड फॉर अ अस टू डिटरमाइन पोजिशन प्रिसाइजली जीपीएस से आपको अपनी लोकेशन प्रिसाइसली नोन करने के लिए मिनिमम कितनी सेटे लाइट्स का डेटा रिक्वायर्ड होता है दो तीन चार या चौबीस बता दीजिए ठीक है तो जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसकी मदद से आप अपनी पोजिशन क्या कर पाते हैं डिटरमाइन कर पाते हैं ओला में घूमने जाते हैं ऊबर में घूमने जाते हैं कैसे जाते हैं जीपीएस की मदद से भैया कैसे दिखाती है वो पूरा का पूरा रूट जीपीएस की मदद से दिखाती है और आपको फक्र होना चाहिए कि इंडिया ने भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है जिसका नाम आई आर एन एस एस है ठीक है इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम जिसको अपनी रीजनल <coughs> लैंग्वेज में नाविक बोला जाता है जनरल नॉलेज की बात है याद रख लो भैया ठीक है नाविक और यह इंडिया की लगभग 1500 किलोमीटर के बाहर की बाउंड्री को भी कवरअप करता है उसका भी सर्वे कर सकता है और जल्द यह शुरू होने वाला है अभी डेटा एक्वायर कर रहा है इसरो ने बनाया है बहुत जरूरी सवाल है आपसे करंट अफेयर में या फिर किसी भी तरह से जनरली पूछा जा सकता है आप आंसर कर सकते हैं ठीक है सही बच्चे ध्यान दें और मैं आपको बता देता हूं यहां पे जो आंसर है वो फोर है जीपीएस के केस में कि भैया कम से कम चार सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है तब आप अपनी लोकेशन को मोस्ट एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूं विशाल जी कह रहे हैं चौबीस नहीं नहीं चौबीस नहीं भैया ध्यान दो हाँ अंसुल पाल जी थ्री कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं भाई ठीक है बुल ट्रेंच क्लेन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुल ट्रेंच क्लेन किस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है लाइम को सीमेंट को ब्रिक को या इनमें से किसी को नहीं आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए भैया ठीक है आंसर सबका चाहता हूं पूरी तेजी के साथ चाहता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से चाहता हूं भैया पूरी एनर्जी लगा देनी है ठीक है और बच्चे आज है भैया 200 लाइक भी क्रॉस नहीं हुए अभी तक तो भैया मेरे हिसाब से ये 500 क्रॉस हो जाने चाहिए थे लेकिन आज लड़कों में बिल्कुल मजा नहीं है ठीक है कुणाल पांडे जी सी कह रहे हैं सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर भी वीडियो बनाओ ठीक है अमन राव जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कितने सारे वीडियो कराए भैया और इतने सारे सवाल कराए हैं पांच दिन में क्या पूरा सिविल पड़ जाओगे नहीं पांच दिन में जितना पढ़े हो उसको रिवाइज करके जाना है स्ट्रैटेजी ध्यान दो ठीक है स्ट्रैटेजी ध्यान दो हमें पूरा सिलेबस नहीं करना होता है सिलेबस आप ध्यान देंगे एनालाइज करेंगे तो सिलेबस पूरे सिलेबस में से चालीस से पचास परसेंट ऐसी जगह होती है जहां से सवाल आता है और वही सवाल निकाल निकाल के निकाल निकाल के अलग अलग पेपर से चाहे वो ईएस के हो चाहे वो गेट के हो आपके लिए ला रहे हैं आप लगाते चले जाइए और सक्सेसफुल होते चले जाइए बच्चों के आंसर आ रहे हैं भैया कह रहे हैं बुल का क्या हैं क्या कह रहे हैं अरे का भैया इतना नहीं गड़बड़ नहीं कर रही है आ, बहुत जरूरी है भैया ठीक है तो बोल ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है तो सी सही आंसर है ठीक है आंसर आप लोग सभी लोग जानते हो यार बहुत तेजी के साथ ठीक है बहुत बढ़िया आंसर करना भाई देखिए हाँ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर एक सर्कुलर कर्व है रेडियस जिसका आर है ठीक है कनेक्ट टू स्ट्रेट पाथ भैया सर्कुलर कर्व किस लिए इस्तेमाल करते हो दो स्ट्रेट पाथ को जोड़ने के लिए ठीक है तो जिसमें डिफ्लेक्शन एंगल आपको क्या दिया है 60 डिग्री दिया है भाई कह रहे हैं टेंजेंट की लेंथ हमें बता दीजिए सर्वेइंग में बहुत छोटा सा फॉर्मूला आपको बताए थे आप आंसर कर सकते हैं पूरी एनर्जी के साथ आंसर करना चाहते हैं भैया आप हाँ बचपन सब की तरह आप चाह रहे हो सोनी से आपको ऑफर आया अच्छा ए जी थर्टी थ्री कह रहे हैं बहुत बढ़िया ए जी थर्टी थ्री भैया तुम यहाँ मुझे लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो ध्यान दो भाई हाँ जल्दी जल्दी भैया लाइक वो दो सौ क्रॉस करो भाई मजा ही नहीं आ रहा ठीक है सोम सिंह जी कह रहे हैं कह रहे हैं सर आप कहो तो दो बार लाइक कर दें, फिर वो वापस अनलाइक हो जाएगा सोम सिंह जी ये तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है ठीक है भैया फिर जब वो अनलाइक हो जाएगा तो हम भी तो अनलाइक हो जाएंगे और अगर हम अनलाइक हो गए तो वहां कुंभ कौन चलाएगा आप इस बात का ध्यान दीजिए भाई हाँ डांसू हैं ही थोड़ी हैं ध्यान दे जो भाई हाँ तो आंसर देख रहे हैं बी ए बी ए ए बी बहुत जरूरी है भाई ध्यान दो पॉइंट फाइव फाइव सेवन आर क्यों क्योंकि भैया आप जानते हैं लेंथ कितनी थी डेल्टा वाई टू थी ठीक है डेल्टा की वैल्यू दी है आर टेन सिक्सटी डिग्री बाई टू मतलब आर टेन थर्टी और सॉल्व करोगे तो पॉइंट फाइव फाइव सेवन आर आ जाएगा मतलब ऑप्शन ए बन जाएगा तो भैया इतना नहीं सोचना है बहुत सिंपल सवाल है गेट में पूछा गया 2016 में और तभी भी बच्चों ने इतनी गलती करी 2016 गेट का सवाल है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मिनट में सॉल्व हो जाता है एक, एक मिनट भी क्या में सॉल्व हो जाता है इस छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए आप आंसर कर देंगे कोई मुश्किल नहीं है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया बहुत जरूरी है इन द ट्रायंगुलेशन मेथड अच्छा एक बात और भी बता देता हूं अब मैं एक स्पेशल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के सवाल लेके आ रहा हूं जो पहले पूछे जा चुके हैं ठीक है रैपिड फायर रैपिड फायर राउंड होगा 400 सवाल बिल्डिंग मटेरियल के रैपिडली कराएंगे ठीक है और रैपिड तरीके से करेंगे उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी आपको बस क्वेश्चन स्क्रीन डिस्प्ले होगा 10 सेकंड के अंदर आंसर मैं करूंगा आगे बढ़ते जाने। सब लोग अपने अपने आंसर चेक करेंगे रैपिड फायर राउंड रैपिड क्लास लेके आ रहा हूं ठीक है तो रैपिड फायर क्लास मतलब अब महाकुंभ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है बच्चे देख रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि भैया हाँ कि मेरे को थोड़ा सा समय और ज्यादा चाहिए मेरे को और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए कम समय में तो इसलिए रैपिड फायर क्लास आ रही है महाकुंभ रैपिड फायर ध्यान दो ठीक है तो भैया महाकुंभ में अब चार सौ क्वेश्चन बिल्कुल निपटा देने समझ लो हाँ ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो भैया का आंसर कह रहे हैं आंसर डी आ रहा है बहुत बच्चों का वेल कंडीशन ट्रायंगल बिल्कुल सही बात है ठीक है वेल कंडीशन ट्रायंगल्स आर दो ट्रायंगल्स विद एन एंगल लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री द प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू सच ट्रायंगल्स एज इट इज द इजीएस्ट फिगर दैट कैन बी प्लॉटेड एंड एनालाइज्ड बहुत सिंपल था आंसर बहुत बढ़िया की हो ठीक है बिल्कुल कह रहे हैं 30 से 120 डिग्री के बीच में नहीं 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 यार वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए जनार्दन साहब जी ठीक है यहाँ पे साठ डिग्री के बराबर या उससे नीचे हो सकता है ठीक है ध्यान देने की जरूरत है भैया सभी बच्चे ध्यान देंगे पूरी एनर्जी के साथ आंसर चाहता हूँ मैं सबका ठीक है आ स्टोन दैट मार्क्स बाउंड्री इज कॉल्ड ठीक है एक बार स्क्रीन से हटा दीजिए मुझे हाँ भैया पानी वाली थोड़ा सा पी लें यार ठीक है तब तक तुम सभी लोग आंसर करो भाई आ, सर जी एक रिक्वेस्ट है थोड़ा फास्ट कराइए क्वेश्चन कुणाल पांडे बिल्कुल करा देते हैं यार तो स्टोन बता दो स्टोन दैट मार्क्स बाउंड्री इज कॉल्ड मेरी स्टोन माइल स्टोन स्टोन लाइन स्टोन अमन राव जी कह रहे हैं कैंटिलीवर सिंपल सपोर्ट के लिए करा देंगे भाई सिंह जी कह रहे हैं बी रिजुदास जी कह रहे हैं बी इंजीनियर गुप्ता जी बी अनिकेत अंडेल जी आंसर करेंगे हुसैन जी भी आ आगे बी आंसर काफी सारे बच्चों का बी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया तो मैं बता देता हूं आंसर लेकिन ए है ठीक है माइल नहीं कहा जाता है बाउंड्री मार्क करने के लिए मैंने पूछा था सवाल ये बाउंड्री मार्क करने के लिए मैंने ये नहीं बोला था डिस्टेंस बताने के लिए माइल जो रोड में लगाते हैं ठीक है वो आपको क्या बताता है कि, कितनी दूरी पे है कोई चीज लेकिन यहाँ पे बाउंड्री मार्क करने के लिए स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है सभी बच्चे ध्यान देंगे इस तरह की कोई गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए गोयल साहब बिल्कुल वेलकम है आपका ठीक है संदीप कुमार जी बी कह रहे हैं हितेश मल्होत्रा जी बी कह रहे हैं तो ज्यादातर ई तो सी एल आर e के केस में अगर नंबर ऑफ डेज नहीं दिया ई सी एल आर क्या होगा तो थीटा की वैल्यू कैसे लेंगे आरसी में ईसीएल आर सिंह जी अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करो सर अब आगे से लास्ट डेज का क्या प्लान करें आशीष अरे यार तुम तो यार बहुत खतरनाक हो यार ठीक है और आपको एक चीज और भी बता देता हूं इफ अ स्टोन इज यूज टू मे माँ का बाउंड्री इट इज कॉल्ड मेरी स्टोन इफ अ ट्री इज ऑन द प्रॉपर्टी लाइन इट इज कॉल्ड लाइन ट्री ध्यान दे लेना ठीक है किसी प्रॉपर्टी लाइन पे अगर कोई ट्री है तो उसे लाइन ट्री कहा जाता है ठीक है चलिए मेंट तो होगी क्या सर होगी बिल्कुल होगी क्यों नहीं होगी यार तुम कैसी बात कर रहे हो वरुण शर्मा यार ठीक है विजय प्रजापत जी भी आ गए वो भी नए हैं बहुत बढ़िया ठीक है एनवायरमेंट का क्रैश कोर्स करवा दीजिए सर करवा देंगे यार ठीक है पंकज कुमार बिल्कुल तुम्हारे लिए करवाएंगे यार कैसी बातें कर रहे हो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्लेन एंड जियोटेटिक सर्वेइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन ठीक है तो सर्वेइंग की क्लासिफिकेशन जो प्लेन और जियोटेटिक सर्वेइंग है जिसमें क्या करते हैं आंसर इसी में छुपा हुआ है

अननोन रहते हैं अनएक्सपेक्टेड रहते हैं इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं ठीक है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल करना होगा ठीक है कृष्ण विजय जी कह रहे हैं वेरी इजी बहुत किशन जी आंसर करिए लेटेस्ट वीडियो आदित्य कह रहे हैं कि मैं पहली बार आया हूं बहुत वेलकम करेंगे भाई समझिए हाँ सबका वेलकम करते हैं हम अनिकेत जी कह रहे हैं सर मराठी मराठी नहीं आती है देखो यार सीखेंगे आप कहें हैं तो सीखेंगे पक्का सीख के आएंगे देखिए आप पैरिमीटर कर रहे हैं बच्चे आंसर स्किप किशन विजय तुम यार स्किप हम पहले बताए हैं स्किप लड़के नहीं करेंगे क्या करेंगे ए बी सी या डी आंसर करेंगे क्योंकि एग्जाम में स्किप का कोई ऑप्शन नहीं होता स्किप का जो ऑप्शन लेता है वो फिर स्किप हो जाता है पेपर से भी हाँ ध्यान दे दो ठीक है तो बिल्कुल बहुत जरूरी है बिल्कुल पहली बार सुने हैं ध्यान दीजिए गोरे इज अ थिन अंड पीस ऑफ लैंड ठीक है एंड आर टू डिस्क्राइब तो द पैरामीटरमेंट ऑफ डिस्टेंस ठीक है तो भैया दो नए टर्म आपको बता रहा हूं इससे वाकिफ हो जाओ ठीक है तो गोरे इज अ थिन ट्राइंगुलर पीस ऑफ लैंड आंसर क्या बन गया सी बन गया हाँ देख लिया बहुत जरूरी था भाई हाँ ठीक है

ठीक है और लेजेंड्स सोते नहीं है भैया जब कोई सपना आपने देखा है पेपर निकालने का वो सपना आपको सोने नहीं देगा और भैया जब जगह हो तो भैया पेपर के लिए तैयारी करना जरूरी है और तैयारी कैसे होगी महाकुंभ में तैयारी होगी महाकाल की कृपा से होगी ठीक है और जब तक महाकाल हमारे साथ हैं तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं ठीक है काफी बच्चों का आंसर देखिए 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 सी सी भी 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 आ रहा है, D भी आ रहा रहा है है डी डी ए ए आया और D में अब इतना सिंपल सवाल है सोइल का इतना बढ़िया लेक्चर करवाए हैं यार तुम्हारे लिए और उसके बाद भी गलती कर रहे हो यह बहुत गलत बात है सोइल के लेक्चर देखो भैया जी का आंसर सी आया है काफी बच्चों का ए आया है सिमरन सिन्हा जी का भैया Uh, uh, भैया देख लो अब एन ऑप्टिम एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ वन हंड्रेड फाइव टू वन सेल्सियस टेन डिग्री सेल्सियस इन द ओवन ठीक है क्यों भैया इससे ज्यादा क्यों नहीं रखता क्योंकि इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर रखूंगा ना तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है जिसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और मुझे तो मैं उस सॉइल का एनालिसिस कर रहा हूं जो ग्राउंड पे उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेक करने के लिए जब प्रॉपर्टी ही चेंज कर दूंगा तो भैया एनालिसिस गलत होगा नहीं होगा होगा बिल्कुल होगा इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है कि एक डिग्री सेल्सियस से किसी भी हालत में ओवन ड्राई मेथड में जब आप क्या निकालते हैं वाटर कंटेंट निकालते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखना होता ठीक है पक्की बात है आपको कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल स्ट्रक्चर विस्क क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है विशाल जी बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया ओमदा बहुत बढ़िया लूज सोइल है अ रिलेटिव डेंसिटी विद इन रेंज ऑफ लूज सोइल की डेंसिटी रिलेटिवली कितनी होती है 60 से 85 85 से 100 10 से 35 35 से 60 कितनी आपको आंसर करना है देखिए लूज सोइल के गेस में रिलेटिव डेंसिटी बतानी है बताएंगे आप सभी लोग जिप्सम होगा तो 85 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस हां बिल्कुल सही बात है रिजुदास बताया मैंने हाइड्रोलिक की क्लास हाइड्रोलिक की भी लगा देंगे यार तुमने कहा है कुणाल पांडे जी कह रहे हैं सारे रिक्वेस्ट है स्टील का क्वेश्चन सेट लाइए ना स्टील का क्वेश्चन भी लाऊंगा यार ठीक है और स्टील के कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं तुम देखे नहीं हो मुझे लगता है कुणाल पांडे में तुम्हें पहली बार नोटिस कर रहा हूं यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कुणाल पांडे जी आपको रेगुलर रहना होगा अगर पेपर क्रॉस करना है ठीक है पांडे साहब बहुत जरूरी है विजय गुप्ता जी कह रहे हैं साठ से पिचासी सिंह साहब कह रहे हैं सी अमन कुमार जी ए कह रहे हैं ए और सी का घमासान युद्ध चल रहा है भैया यहाँ तो ठीक है तो भैया घमासान युद्ध कैसे होगा

ठीक है और लूज हैज रिलेटिव डेंसिटी बिटवीन 10 टू 35 ध्यान रखी जाएगी सिमरन सिन्हा जी का आंसर सही है एक्सीलेंट बॉय साहब आ गए हैं बहुत बढ़िया ठीक है सिंह जी सी कह रहे हैं मुकुल जी सी कह रहे हैं ठीक है सिमरन सिन्हा जी ठीक है भैया शनिवार की क्लास आने वाली है शनिवार की क्लास बच्चों को दिखा दें भाई ठीक है शनिवार को सुपर शनिवार आ रहा है सुपर शनिवार पे सभी बच्चे देखेंगे भैया ठीक है बीएमसी का रिवीजन कराएं करा देंगे भाई और बताओ ठीक है सवाल का जवाब दे दें दे देंगे भैया सवाल का जवाब तुम्हारे स्क्रीन पे है भाई देखो हाँ बहुत जरूरी है ठीक है तो कंप्यूटर जी बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दें हेलो फ्रेंड्स इस सुपर शनिवार में आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक लक्ष्य मैराथन क्लास जिसमें हम सारे सब्जेक्ट से मिला जुला के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी करेंगे साथ में बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड वो भी करने वाले हैं क्योंकि सीबीटी टू इसी बार क्रैक करना है और हम करके रहेंगे थैंक यू हेलो फ्रेंड्स इस सुपर शनिवार में आपके लिए लेके आ रहा हूं एक लक्ष्य मैराथन क्लास जिसमें हम सारे सब्जेक्ट से मिला जुला के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी करेंगे साथ में बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड वो भी करने वाले हैं क्योंकि सीबीटी टू इसी बार क्रैक करना है और हम करके रहेंगे थैंक यू ठीक है बहुत ज़रूरी हाँ भैया बहुत हाँ तो भैया सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी ठीक है तो काफी बच्चे देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि भैया सीपीएम पी पढ़ पढ़ा दीजिए हाइड्रोलिक्स पढ़ा दीजिए इन्वायरमेंट देखो भैया सीधी सी बात है तुम हो सिविल इंजीनियरिंग करने वाले लड़के एक दिन में सिविल इंजीनियरिंग कोई नहीं कर पाता और नुम तुमसे कोई करा सकता है ठीक है तो भैया मेहनत करते रहो इतने सब्जेक्ट तुम्हें कराएं तो ये तुम्हें अब तो भरोसा होना चाहिए कि मैं कराऊंगा जब मैंने कह दिया एक बार कराऊंगा तो कराऊंगा जिम्मेदारी ली है भाई बहुत जरूरी है ठीक है तो जितने बच्चे यहाँ पे हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो बात सब लोग जानते हैं ठीक है बिल्कुल सही बात है चलिए हर हर महादेव आगे बढ़ते हैं भैया हाँ, बहुत जरूरी है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्क्रीट जो हॉलो ब्रिक्स होती है कॉन्क्रीट की उसकी फॉलोइंग इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक है लस थर्मल इंसुलेशन करती है कॉस्टली होती है या कंस्ट्रक्शन जल्दी कर देती है या डिक्रीज फ्लोर एरिया आपको बताना होगा सभी लोग बताएंगे ठीक है इंजियंस अड्डा जी कह रहे हैं इंजियंस गुप्ता जी कह रहे हैं माय टीम विल सपोर्ट यू आपकी कौन सी टीम है बताना चाहेंगे हाँ ठीक है तो सभी बच्चे अपने अपने वॉल्स पे शेयर कर दें सैटरडे की क्लास को ठीक है भैया इवेंट बन जाएगा कल सुबह तक सब चैनल पे चेक कर लें सभी का भैया जब तक उसको हंड्रेड क्रॉस लाइक हंड्रेड क्रॉस करने हैं शनिवार लेक्चर पूरी होने से पहले ही तभी लेक्चर शुरू होगा भैया देख लीजिए बहुत जरूरी है हाँ तो आंसर ए कह रहे हैं बी कह रहे हैं ये कह रहे हैं बी कह रहे हैं ठीक है।, है तो सभी बच्चों का आना बहुत जरूरी है भैया बहुत जरूरी है ए, 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 ए सी ए सी बहुत मजा आ रहा भाई। है भाई ठीक है कह रहे हैं सर विच पेपर शुड आई प्रिपेयर एच एस सी आर ठीक है दोनों कर लो यार दोनों के लिए एक ही चीज तो पढ़नी है भाई ठीक है दोनों के लिए सॉइल पढ़नी है दोनों के लिए एनवायरमेंट पढ़नी है जो भी चीज पढ़ोगे भैया दोनों की तैयारी अपने आप हो रही है बहुत देने की ध्यान देने की जरूरत है ठीक है तो फास्ट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही बात आंसर है ठीक है तो भैया लेस थर्मल इंसुलेशन के लिए नहीं करते हैं फास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड साइज ऑफ हॉलो ब्रिक आपको बता देते हैं थर्टी नाइन इंटू नाइनटीन इंटू थर्टी सेंटीमीटर कंपेयर टू नाइनटीन इंटू नाइन नाइन टू नॉर्मल ब्रेक होती है

किसका इस्तेमाल करते हैं रूरल किसका करेंगे जल्दी जल्दी बताइए जल्दी जल्दी भाई मुगल रौतेला जी कह रहे हैं कि भैया प्रिपेयर करूं आपको बताया मैंने मुगल रौतेला जी ठीक है कि भैया जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो उसकी करो क्योंकि भैया तैयारी दोनों में एक ही चीज की करनी है आपको टेक्निकली सॉइल दोनों में पढ़नी है इन्वायरमेंट दोनों में पढ़नी है पेपर का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली हरियाणा एस का आर से थोड़ा कम होगा ठीक है तो आप अरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करोगे तो भी हरियाणा एस की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है ठीक है और आपको बता देता हूं हरियाणा एसएससी के लिए एक स्पेशल सेशन अलग से ला रहा हूं उसकी भी प्लानिंग कर चुका हूं पूरी प्लानिंग करके बैठा हूं आपको किस तरह से क्या क्या करना है ठीक है उसमें आपको जो भी हरियाणा के ऊपर जो जनरल क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल का पार्ट है आपने हरियाणा का अगर सिलेबस देखा हो एस एस का ठीक है हरियाणा एस एस का तो भैया तो भी लगा देंगे ठीक है तो जो बच्चा हरियाणा के लिए तैयार हो रहा है वो भी हो जाएगा ठीक है तो ए और बी कह रहे हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है देखिए अब क्वेश्चन है तभी तो ये पूछे भाई

सही बात है सिमरन सिन्हा जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ठीक है फ्लोरो जिप्सम यूज इन सुपर सल्फेटेड सीमेंट और एज बाइंडिंग एजेंट इज अ बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ मैग्नेफेक्चर ऑफ किसकी मदद से आप फ्लोरो जिप्सम को क्या करते हैं मैग्नेफेक्चर करते हैं जो कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट में इस्तेमाल होता है सभी लोग बताएंगे भैया बहुत जरूरी है आला रे आला आ, महादेव का आशीर्वाद आला बहुत जरूरी

अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो हाइड्रोफ्लोरिक कह रहे हैं काफी बच्चे है यहाँ पे सी आंसर कर रहे हैं बी बिश्वजी साहू जी आप आज थोड़ा सा लेट हो गए ठीक है एजे साहब जी का आंसर मैं कम देख रहा हूँ हार्टलेस हेमंत जी का भी आंसर कम देख रहा हूँ शर्मेंद्र सिंह जी का आंसर रेगुलर बेस पे आ रहा है ठीक है अमित सोलंकी जी क्या बात है सही बात है आ, बात क्या नहीं सही है भाई ध्यान दो हाँ बहुत जरूरी है ठीक है तो कह रहे हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ओ माई गुडनेस क्या कहते हैं भैया बिल्कुल सही कहते हैं आप जो भी कहते हैं तो फॉस्फोजिप्सम इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ठीक है फ्लाई इज इन थर्मल पावर प्लांट्स फ्लोरोजिप्सम इज प्यूरिफाइड बाई न्यूट्रलाइजिंग इट्स एसिडिटी एंड देन कैन बी यूज फॉर ब्रेक्स बहुत ध्यान देने वाली बात है बहुत जरूरी है ठीक है तो भैया आंसर देख रहा हूँ काफी बच्चों का सही आ रहा है ठीक है अक्षय शर्मा जी हेलो कह रहे हैं सर मेरी टीम में 1200 लोग हैं अच्छा क्या करते हैं आप इमल्सन पेंट्स कंटेन इमल्सन पेंट क्या कंटेन करते हैं बता दो एशियन पेंट का देखे थे एसियन इमल्सन पेंट लगाइए और घर को तंदुरुस्त बनाइए तो लगा दीजिए लेकिन ऊ में का है आपको ये बताना है कैसे बताएंगे बता दीजिए तो नाइट नाइट्रो कॉटन है जिंक वाइट है वाइट लेड है पोनीट है क्या है सभी बच्चे आंसर करेंगे ठीक है सर पूरा ही गा लेते अरे वर्षा जी इतनी बढ़िया आवाज हमें भगवान नहीं दिए हैं लेकिन कोशिश हमारी रहेगी हाँ बहुत जरूरी है गोयल साहब हेलो कह रहे हैं कमलेश सनवाल जी कह रहे हैं सनवाल साहब आप मुझे लगता है उत्तराखंड से हैं ठीक है सी काफी बच्चों का आ रहा है विनाइल आ रहा है बहुत बच्चों का सी और डी देखिए व्हाइट लाइट भी आया विजय गुप्ता जी का विजय गुप्ता जी आपकी रेगुलरिटी कम दिख रही है ठीक है सर आप मराठी अच्छी बोल लेते हो आला रे आला आ, बहुत जरूरी है भाई आपने बोला था हम तुरंत तुरंत सीख गए देखिए बैठे बैठे सीख गए आला रे आला गुरु जी आला सैटरडे को सुपर शनिवार को आला ठीक है मैराथन क्लास लेके आला और सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला समझिए बहुत जरूरी है ठीक है तो भैया आंसर क्या है आंसर सभी लोग कर दें भैया पॉलीविनाइल एसिटेट है नाइट्रोकॉटन इजन एलिमेंट कंटेंट इन सेल्यूलोस पेंट जिंक व्हाइट एंड व्हाइट लेट आता कंपोनेंट्स कम्पु... ऑफ एनिमल पेंट्स लेकिन इमल्शन पेंट में क्या होता है पॉलीविनाइल एसिटेट होता है ध्यान दीजिए अब सब पेंट का आपको पता है कहाँ कहाँ कौन सा इस्तेमाल हो रहा है आंसर कर दीजिएगा एग्जाम के अंदर समझ रहे हैं कर देंगे भैया बहुत जरूरी है एंटी एंटीकोजिव पेंट इज डैश इन कलर एंटी एंटीकोजिव पेंट कैसा होता है कलर में सही अच्छे आंसर करेंगे भैया ठीक है बहुत जरूरी है सर धनवाल जी कह रहे हैं यस सर उत्तराखंड से है उत्तराखंड में कहां से भाई बता दें ठीक है आप तो भैया हमारे पड़ोसी निकले भाई जय महाकाल ठीक है आई एम फ्रॉम आंद्र सर अच्छा आंध्रा से हैं बहुत बढ़िया यार आंध्रा जगह बहुत बढ़िया है किशन विजय जी मेरा सही है अच्छा बहुत बढ़िया डी होगा जनाब संतोष कुमार जी न, बहुत ज़रूरी ठीक है तो आंसर बता देते हैं आपको बच्चे आंसर कर रहे हैं डी कर रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल आंसर गलत है क्योंकि ब्लैक पेंट दीज पिगमेंट्स मेक द पेंट ब्लैक कलर ये पेंट को क्या बना देते हैं ब्लैकिश बना देते हैं कलर में ये ध्यान देने की बहुत जरूरी है ठीक है चलिए तो भैया आप लोगों से सीखते रहते हैं वट इज यूज टू मेक पेंट ऑर्डरलेस टू एन एक्सटेंट ठीक है ऑर्डरलेस बनाने के लिए ताकि उसमें से किसी तरह की महक ना आए इसके लिए आप पेंट आप्रोलिक कंपाउंड मिलाते हैं प्लीओ वे रिजन मिलाते हैं क्या मिलाते हैं है, 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 है? आपको आंसर करना है ठीक है बच्चे कह रहे हैं बी कह रहे हैं ठीक है काफी बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूं बी आ रहा है आ, और क्या करना चाहेंगे आंसर भाई भैया देखो जोश तुम्हारे अंदर कम दिखाई दे रहा है जल्दी जल्दी भैया लाइक क्रॉस करो भाई टू हंड्रेड क्रॉस करना जरूरी है भाई आ, जब तक क्रॉस नहीं करोगे तब तक मजा कैसे आएगा बहुत जरूरी ऑल इन वन कह रहे हैं वो दिल्ली से हैं अच्छा नरेश जी कह रहे हैं प्रणामिक सी ओ माई गुडनेस बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो यार चंडीगढ़ से भी हैं देखिए रघु सिंह जी हाँ भैया तुमसे ही बच्चे तो यहाँ काफी बच्चे हैं वो बोलते रहते हैं हम सीख लिए थोड़ी थोड़ी जमील अतर जी भी आ गए जमील अतर जी नए हैं लगता है किरण राणा जी कह रही है हाँ देखिए बच्चों के आंसर आ रहे हैं यार बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं ठीक है ठीक है तो लेकिन ध्यान दीजिए सिमरन सिन्हा आपका सही है ठीक है तो दीज एलिमिनेट द ऑर्डर प्रेजेंट इन एक्लेट स्टेन ब्लॉकिंग प्राइमस इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस वी ओ सी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज हार्मफुल उनको हार्मफुल होते हैं इसी वजह से कम करने के लिए मैं क्या मिलाता हूँ वे मिलाता ठीक है और इन रेजन को मिलाने से जो ऑर्डर है पेंट का काफी हद तक मैं क्या कर सकता हूँ रिड्यूस कर सकता हूँ पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफी हद तक अप टू तो एन एक्सटेंट ध्यान देंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हाउ ड्रायर एक्ट एज की तरह ड्रायर कैसे एक्ट करता है <laughs> सोन सिंह जी कह रहे हैं मेरी एज क्या है यार तुम तो यार मेरी एज के पीछे पड़ गये हो पटियाला से भी है दिल्ली से भी अच्छा आरसीसी देख के आया हूँ अभी ऋषि पांड्या जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया देखना बहुत जरूरी है देखो हाँ बहुत जरूरी है भाई कह रहे हैं बी अभिमन्यु कुमार जी बी कह रहे हैं इंजेश गुप्ता जी इलाहाबाद यूपी से अभी आर सी सी देखा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कैसा लगा मजा आया नहीं आया मजा आ रहा है भाई कह रहे हैं वॉशिंगटन डी सी यू बहुत तुम तो यार बिल्कुल यार अंग्रेज निकले यार कथाई कोल्हापुर से भी हैं जमीला जी हाँ तो आंसर बता देते भैया क्या है सी है एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन ड्रायर एक्सलेट द रेट ऑफ ड्राइंग बताए थे पेंट में पेंट का लेक्चर देख लो बहुत तरीके से बताए हैं एक एक पेंट के बारे में बताए हैं काका -का मिलाते हैं ई भी बताए हैं समझ रहे हो तो पेंट में ड्रायर आप इसलिए मिलाते थे ताकि एक्सेलरेट कर सके प्रोसेस को जल्दी सुखा दे पेंट को ठीक है तो लेकिन कैसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और सूख जाता है मतलब एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन इज द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बहुत बढ़िया सुप अरे भैया धांसू है भाई समझिए डैश जनरली फॉर प्राइमिंग कोट टू न्यू भैयालीडवर्क नयाडवर्क अगर आप करते हैं उसमें प्राइमिंग कोट के लिए आप किसको बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं बताना है ए बी सी या डी ठीक है आप बता सकते हैं एंटीमोनी वाइट टाइटेनियम डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम पाउडर रेड लेड सभी लोग बताएंगे भैया बिल्कुल यार पानी वानी पी लेते हैं यार ठीक है कंप्यूटर जी एक बार स्क्रीन से हटा दें सिलिकेट कह रहे हैं पूरे जोश के साथ आंसर करना भाई सबको आंसर बच्चों के ए आ रहा है सी भी आ रहा है देखिए हाँ ए बी सी डी काफी सारे आंसर है गोयल साहब भी आ गए हैं बहुत बढ़िया तो हाँ, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का सी है एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म्स बल्क ऑफ पेंट्स इट प्रिवेंट्स रैपिंग एंड क्रैकिंग ऑफ वुड वुड व्हेन अप्लाइड टू न्यू वर्क ठीक है तो भैया एल्यूमिनियम पेंट और एल्यूमिनियम पेंट को ज्यादातर मैं कहा इस्तेमाल करता हूँ मशीनरी के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो रिफ्लेक्शन काफी अच्छा देती है ठीक है ये अल्यूमिनियम पेंट भी मैंने आपको बताया विच ऑफ द बिलो वेहकल्स आर यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क इनमें से कौन सा वेहकल है ठीक है जो सस्पेंशन में रखता है पेंट को ध्यान दीजिए पेंट का सवाल भी आ रहे हैं अब एग्जाम के अंदर बहुत पिछले दो साल से एनालिसिस चल रहा है इस बात का ठीक है सही अच्छा आंसर करेंगे वाइट लेट फॉर वु दास जी देखिए व्हाइट लेड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए इसमें व्हाइट लेड नहीं दिया है वुड वर्क के लिए ठीक है तो यहाँ पे रेड लेड दिया है जो कि स्टील में इस्तेमाल होता है ठीक चलिए तो ऑफ द बिलो व्हीकल्स आर यूज फॉर ऑर्डनरी वर्क ऑर्डनरी वर्क के लिए किसका इस्तेमाल करोगे कह रहे हैं क्या डी कह रहे हैं काफी बच्चे सी कह रहे हैं अच्छा शिवम जी कह रहे हैं डी लेंसड ऑयल अच्छा सी आंसर आ रहा है काफी बच्चों का आंसर देख रहा हूं मैं ठीक है तो बिल्कुल सही बात है नट ऑयल का इस्तेमाल करोगे नट ऑयल इज कलरलेस एंड इट ड्राइज़ रैपिडली इट इज चीप सस्ता भी होता है एडरेट इज एड किससे ऑर्डिनरी वॉलनट्स से इनको प्रिपेयर किया जाता है नट ऑयल नाम में लिखा नट ठीक तो है तो ऑर्डनरी नट से हम इसको प्रिपेयर करते हैं उसका जो तेल होता है ऑयल होता है उसको सस्पेंशन में रखने के लिए पेंट को हम क्या करते हैं एज अ व्हीकल मिलाते हैं ठीक है थीके? तो ऑर्डनरी वर्क के लिए इस्तेमाल करता हूँ बहुत जरूरी ठीक है बहुत जरूरी है भैया वुड नेपथा अ चीप वैरायटी ऑफ रेजन इज आल्सो कॉल्ड वुड जो होता है जो चीप वैरायटी का रेजन है उसको और क्या कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है सिंथेटिक रबर कहा जाता है एसिटेलिन कहा जाता है या फिर इथेनॉल कहा जाता है तो एसिटेलिन कहेंगे, कहेंगे या इथेनॉल कहेंगे या सिंथेटिक रबर कहेंगे या मिथाइल अल्कोहल कहेंगे सभी बच्चों को आंसर करना है देखिए पूरी तेजी के साथ आंसर करेंगे ठीक है कह रहे हैं बोथ नट एंड लेंसेड ऑयल आर यूज हंसुल पाल जी ठीक है देखिए ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे जो सबसे ऑर्डनरी जो सबसे सस्ता पड़ता है वो नट ऑयल पड़ता है इसलिए बेस्ट ऑप्शन वो होगा ठीक है सर आई एम फर्स्ट टाइम ज्वाइन गणेश प्रसाद जी कह रहे हैं गणेश प्रसाद जी आपका वेलकम है और सभी बच्चों से कहूंगा कि वीडियो को लाइक करते चलो ठीक है और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते चलो भैया शेयरिंग इज केयरिंग बहुत जरूरी है भाई जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक केयर कैसे करोगे ठीक है तो कह रहे हैं धांसु क्वेश्चन अरे भैया धांसु है भाई समझिए हाँ ए बी कह रहे हैं नेप्था को एसेटिलीन बोलते हैं बाकी नहीं पता अच्छा नेप्था को एसेटिलीन बोलते हैं अरे भैया क्या कर रहे हो भाई ध्यान दो मिथाइल अल्कोहल वॉज प्रोड्यूस चीफली बाय द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड द नेम वुड नेप्था ध्यान दे दो भैया बहुत जरूरी है ठीक है तो नोटियाल साहब नमस्कार हाँ पाल जी भी आ गए नमस्कार भैया सर साउंड प्रॉब्लम कह रहे हैं रिजू ताजी कह रहे हैं साउंड की प्रॉब्लम हो रही है ठीक है बहुत बढ़िया है भैया साउंड की प्रॉब्लम आपके लिए संभाल ली गई है शेयर फोर्स इंक्रीज है, है? क्या कह रहे हो भाई ध्यान दो से आपको बताना है यूथ्रेन होगा, होगा, यूथ्रेन होगा या यूरिया होगा, ठीक है इसमें से कौन सा है आपको बताना है आप बता सकते हैं बहुत जरूरी है भाई ठीक है एग्जाम के अंदर देखिये बहुत नए नए टाइप के हैं आज तक न्यूज में करा देंगे न्यूज आज तक में करा देंगे अच्छा वरुण शर्मा से आप, आप तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं भाई हम तो हल्के में ले लिए तुमको क्वेश्चन में महाकुम की प्ले में न्यू वीडियो अपडेट नहीं हो रहे हैं सर विजय जी करा देते हैं आज ठीक है आपके अपडेट करा देते हैं आपने बता दिया बस काम पूरा हो जाएगा आपका प्रजापत जी कह रहे हैं सी एच फोर ओ एच अभी कुमार जी बी कह रहे हैं जमील जी ए सी कह रहे हैं भैया आंसर आप सभी लोग जानते हैं क्या सी है

ठीक है भैया तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा स्कोर गेट में जो गया है वो लगभग लगभग सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव गया था ठीक है अब इस पर ज़्यादा जरूरत नहीं है ठीक है तो इस हमारा इतना स्कोर लगभग गया है ठीक सौ वह नहीं लाए हैं ध्यान दे दो ठीक है तो सौ हम नहीं ला पाए देखो पिचहत्तर लाए थे पिचत्तर था कह रहे हैं कि भैया है क्या करें टेलीग्राम का लिंक डलवा दें डिस्क्रिप्शन में है भैया ले लो ठीक है तो देखो सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि भैया मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो अगर मेहनत में कमी छोड़ोगे ठीक है तो अपने आप आप पीछे आ जाओगे दुनिया में आगे जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है कुछ जगना पड़ता है जब लोग सोते हैं तब आप जगेंगे जब आप जगेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं जो सोता है वो खोता है ठीक है तो जल्दगी में आगे बढ़ने के लिए भैया आगे बढ़ना बहुत जरूरी है कह रहे हैं सर एस एस का एग्जाम कब तक हो सकता है इंद्रदीप घोष जी देखिए एस एस की नोटिफिकेशन आई है ठीक है कब तक होगा यह संभावना है आने वाले जितने भी एग्जाम है उनको देखते हुए करेंगे ठीक है तो बहुत बढ़िया ठीक है अंशुल पाल जी ध्यान दें ठीक है तो थ्री स्लॉट टेक्निक जानना चाहते हैं बच्चे ठीक है थ्री स्लॉट टेक्निक बता देते हैं देखिए आपको थ्री स्लॉट टेक्निक बहुत बढ़िया याद दिलाया देखिए थ्री स्लॉट रूल है हमारा एक सही बच्चे पूछना चाहते हैं थ्री स्लॉट रूल ठीक है थ्री स्लॉट रूल जिसने फॉलो कर लिया ना उसका अपने आप सिलेक्शन हो जाना है एक दिन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग मॉर्निंग में क्या करो यार चार घंटे ले लो बस दो घंटे क्या करना है दो घंटे रिवीजन करना है सुबह सुबह रिवीजन करने में मजा आता है ठीक है और दो घंटे जो रिवाइज किया उसी के ऊपर क्वेश्चन कर लो बस इतना ही करना है एक आध घंटा घूमाओ फिर एक घंटा घूमने के बाद ठीक है उसके बाद क्या करो भैया फिर चार घंटे ले लो चार घंटे में कुछ न्यू स्टडी करो करो न्यू स्टडी और सबसे खास बात क्या है ना हर स्लॉट के अंदर दस दस पांच पांच मिनट का ब्रेक ले सकते हो घूम फिर सकते हो बहुत बढ़िया ठीक है तो बच्चे क्या करते रहेंगे सर मेरा तीस को पेपर है अमनपाल पाल जी चलिए ठीक है आम, आप मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिएगा ठीक है तो भैया न्यू स्टडी करना है और साथ के साथ अगर हो पाता है तो क्वेश्चंस भी लगाने हैं ठीक है क्वेश्चन लगा दिए और शाम को इवनिंग में क्या करना है नॉन टेक्निकल की भी तैयारी बहुत जरूरी है ये तो सारा का सारा किसमें रिविजन चल रहा है टेक्निकल में चल रहा है पढ़ भी रहे हैं और रिविजन भी कर रहे हैं ठीक है अब क्या करना है दो घंटे यहां पे भी चार घंटे ले लो दो घंटे नॉन टेक पढ़ो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है टेक के बराबर और दो घंटे उसी के ऊपर क्वेश्चन लगाओ बस काम हो जाएगा ठीक है यहाँ पे भी एक घंटे घूम के आ सकते हो आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में तो भैया घूमना फिरना भी हो रहा है और मैं आपको बता देता हूँ चार 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 बारह घंटे कह रहा हूँ बस चौबीस में से बारह घंटे कह रहा हूँ बस ठीक है और इसके अलावा बारह घंटे बचते हैं छे सात आठ घंटे आराम से सो खाओ पियो घूमो कुछ नहीं करना है जिसने रेगुलर बेस पे ये फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है वो करके दिखा देगा थली स्लॉट रूल मैंने भी अपनी जिंदगी में आजमाया था और आज आपको यहां पे बैठ के डिलीवर कर रहा हूं चीजें थ्री स्लॉट रूल की वजह से ये मैंने खुद अपने लिए डिजाइन किया था आप चाहें तो अपने लिए खुद डिजाइन कर सकते हैं और चाहे तो इस थ्री स्लॉट रूल को फॉलो कर सकते हैं जितने भी बच्चे चाहें ठीक है बिल्कुल सही बात है ठीक तो कह रहे हैं बारह आर्स हो गए सर बिल्कुल विकास पटेल जी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा अगर आप प्रोवाइड करते हैं और किसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं जो बच्चा अपने लिए करना चाहता है अपने लिए कैसे करेगा कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके करेगा और जब कर दिया काम हो गया समझ रहे हैं बहुत जरूरी है भाई समझिए हाँ ठीक है कह रहे हैं साहिल मल्होत्रा साहब जी कह रहे हैं अच्छा आपको तो आईटी मिल गई होगी अरे हमें जाना ही नहीं है भाई ठीक है हर किसी का अपना एक एम 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 होता है 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 हमारा अपना है, आप अपना आप डिसाइड कर लिए हैं आपका एम हम करवा देंगे पूरा चिंता की कोई बात नहीं महाकुंभ के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और शनिवार की डिटेल आपको प्रोवाइड कर देते हैं शनिवार को जो लेक्चर आ रहा है बहुत जरूरी है बच्चों को दे दें भाई कंप्यूटर जी ठीक है कंप्यूटर जी दे देंगे भैया जो हमारा सैटरडे का वीडियो है बच्चों को दिखा दें इन्फॉर्मेशन इनके पास होना बहुत जरूरी है भाई हेलो फ्रेंड्स इस सुपर शनिवार में आपके लिए लेके आ रहा हूं एक लक्ष्य मैराथन क्लास जिसमें हम सारे सब्जेक्ट से मिला जुला के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी करेंगे साथ में बहुत सारे जो बनते वो भी करने वाले हैं क्योंकि सीबीटी टू इसी बार क्रैक करना है और हम करके रहेंगे थैंक यू सब्सक्राइब टू सक्सेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियोज